नमस्कार दोस्तों, एचपीएससी पीजीटी कॉमर्स के सिलेबस वाइज टॉपिक की स्टडी का ये लास्ट और फोर्थ वीडियो है। हम इसमें डिस्कस करेंगे सिलेबस में दिए गए जो पॉइंट्स हैं उनको, उनका एक रिवीजन करेंगे, सभी कॉन्सेप्ट्स को कोशिश करेंगे इसमें शामिल करने का। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, इसमें अकाउंटिंग फॉर ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज, और इसमें हम स्टडी करेंगे शेयर कैपिटल, टाइप्स ऑफ शेयर्स, अकाउंटिंग फॉर इश्यू एंड अलॉटमेंट, फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स। कंपनी के केस में शेयर कैपिटल कहा जाता है कैपिटल को, क्योंकि वो कैपिटल शेयर होल्डर्स ने कंट्रीब्यूट की है। बहुत सारे लोगों ने शेयर खरीदे हैं तब वो कैपिटल आई है, इसलिए इस कैपिटल को शेयर कैपिटल कहा जाता है। शेयर कैपिटल की कैटेगरीज में ऑथराइज्ड कैपिटल को रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं। इस कैपिटल से कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है। इशूड कैपिटल ऑथराइज्ड कैपिटल का वो पार्ट होता है जो शेयर कंपनी ने इशू करे हैं, जो कैपिटल कंपनी ने इशू करी है। इशूड कैपिटल में से जितने शेयर्स के लिए, जितनी कैपिटल के लिए आम पब्लिक ने अप्लाई करा है उसको सब्सक्राइब कैपिटल कहा जाता है। होल्ड अप कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल का वो पार्ट होता है जितना अमाउंट कंपनी ने कॉल कर लिया है। पेड अप कैपिटल, होल्ड अप कैपिटल का वो पार्ट होता है जितना अमाउंट पब्लिक ने पे कर दिया है। अनकॉल्ड कैपिटल उस कैपिटल को कहते हैं जो कैपिटल अभी कंपनी ने कॉल नहीं किए। रिजर्व कैपिटल, कैपिटल का वो पार्ट होता है जिसको कंपनी मंगाने वाली नहीं है और कंपनी ने रिजोल्यूशन पास कर लिया है कि इस कैपिटल के हिस्से को कंपनी मंगाएगी ही नहीं, केवल विशेष परिस्थिति को छोड़ करके, जैसे जब कंपनी बंद होगी तो ये कैपिटल मांगी जा सकती है। नेक्स्ट है नेचर एंड क्लास ऑफ शेयर्स। शेयर प्रेफरेंस शेयर हो सकते हैं कंपनी के, इक्विटी शेयर हो सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर एज पर सेक्शन 43 ऑफ कंपनीज एक्ट, ये प्रेफरेंस शेयर हैज प्रेफरेंस, एक प्रेफरेंस शेयर को प्रेफरेंस होता है, पूर्वाधिकार होता है दो तरीके का, एक तो डिविडेंड पहले मिलता है इसको और दूसरा कैपिटल की वापसी पहले होती है जब कभी कंपनी लिक्विडेट हो। किससे पहले होती है? इक्विटी शेयर होल्डर से पहले होती है। नेक्स्ट है प्रेफरेंस शेयर, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर हो सकते हैं, नॉन पार्टिसिपेटिंग हो सकते हैं, क्यूमुलेटिव हो सकते हैं, नॉन क्यूमुलेटिव हो सकते हैं, रिडीमेबल हो सकते हैं, इरिडीमेबल हो सकते हैं। इक्विटी शेयर सेक्शन 43 कंपनीज एक्ट का डिफाइन करता है कि इक्विटी शेयर इज ए शेयर विच इज नॉट ए प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर्स ऐसे ऑर्डिनरी शेयर होते हैं जिनको कोई प्रेफरेंस होता नहीं है, इनको सबसे लास्ट में डिविडेंड मिलता है अगर बचता है तो, इसीलिए इनको रियल ओनर्स कहा जाता है। इश्यू ऑफ शेयर्स, शेयर के इशू के महत्वपूर्ण स्टेप्स हैं। सबसे पहले जब कोई कंपनी शेयर इशू करना चाहती है तो उसको प्रोस्पेक्टस इशू करना होता है, एप्लीकेशन आती है कंपनी के पास और एप्लीकेशंस के बेस पे कंपनी अलॉट करती है शेयर्स। मिनिमम सब्सक्रिप्शन, जब लोग अप्लाई करते हैं कंपनी के पास तो कंपनी को देखना होता है कि जितना अमाउंट का शेयर उसने इशू करा था उसका कम से कम एक मिनिमम अमाउंट का सब्सक्रिप्शन जरूर हो जाना चाहिए, यानी कि मिनिमम अमाउंट जरूर कंपनी के पास आ जानी चाहिए। ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% से कम नहीं होनी चाहिए एज पर सेबी गाइडलाइंस 2000। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, जब एप्लीकेशन आती है कंपनी के पास तो एंट्री होती है बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कंपनी जब इन एप्लीकेशंस को देख करके, चेक करके और अलॉट करती है शेयर तो एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर कंपनी के पास कुछ ऐसी एप्लीकेशन आ जाए जिनका पैसा वापस करना है तो ऐसे केस में वो अमाउंट रिफंड करना पड़ता है और एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू बैंक अकाउंट। कभी कभी कंपनी के पास जो एप्लीकेशन आती है शेयर्स की, कंपनी चाहती है उन शेयर होल्डर्स को, सभी को हम शेयर दें बट कुछ कम शेयर दें, तो ऐसे केस में उनका कुछ पैसा कंपनी के पास एक्सेस हो जाता है, बच जाता है। ऐसे केस में कंपनी उसको यूटिलाइज कर सकती है, शेयर एप्लीकेशन जो एक्सेस अमाउंट है उसको या तो अलॉटमेंट के लिए रख सकती है या कॉल्स एंड एडवांस के लिए रख सकती है, यानी कि कंपनी बता देती है कि जब अलॉटमेंट का पैसा आपसे मांगा जाएगा उस समय ये अमाउंट कम हो जाएगा।
या कॉल्स का जब पैसा मांगा जाएगा तब ये अमाउंट कम हो जाएगा। इसके बाद जब कंपनी अलॉटमेंट डिमांड करती है तो एंट्री होती है शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जब अलॉटमेंट का पैसा कंपनी के पास आता है तो बैंक डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। कॉल्स जब कंपनी करती है, अगर कोई भी कॉल है फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, अगर फर्स्ट कॉल है तो शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट हो जाएगी टू शेयर कैपिटल, अगर ये सेकंड कॉल होगी तो शेयर सेकंड कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, अगर ये लास्ट कॉल होगी तो लिखेंगे शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये ड्यू करने का एंट्री है। जब ये पैसा आता है कंपनी के पास तो एंट्री होती है बैंक डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट। फर्स्ट है तो फर्स्ट कॉल अकाउंट, सेकंड है तो सेकंड कॉल अकाउंट, फाइनल कॉल है तो फाइनल कॉल अकाउंट। कॉल सिनेरियो, ऐसा हो सकता है कि कुछ शेयर होल्डर जब कॉल मांगी जाती है तो वो दे नहीं पाते हैं। ये कॉल चाहे अलॉटमेंट की हो या कॉल की हो, एक ही बात है। कॉल सिनेरियो इसको कहते हैं अगर ये अनपेड अमाउंट है, अगर पैसा नहीं आया है। इस केस में कंपनी इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है कॉल सिनेरियो पे उस रेट के अकॉर्डिंग जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दिया हुआ है। अगर कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कोई रेट नहीं दिया है तो ऐसे केस में टेबल एफ अप्लाई होती है कंपनी एक्ट की, और इसके अकॉर्डिंग एक कंपनी 10% पर एनम रेट चार्ज कर सकती है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एंड एरियर्स पे। जर्नल एंट्री इसकी होती है कॉल्स एंड एरियर डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट, जिस भी कॉल का वो एरियर है। अगर कोई कॉल नहीं आती है संबंधित कॉल तो इस अमाउंट को कॉल्स एंड एरियर में ट्रांसफर कर दिया जाता है। जब ये पैसा बाद में अगर कंपनी को मिल जाए ये एरियर का पैसा, तो तब एंट्री होती है बैंक डेबिट टू कॉल्स एंड एरियर। अगर इस पे कंपनी ने इंटरेस्ट भी चार्ज किया है तो टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एंड एरियर को भी क्रेडिट किया जाता है। कॉल्स एंड एडवांस, किसी केस में ऐसा भी हो सकता है कि कोई शेयर होल्डर जब कॉल ड्यू होती है उससे पहले ही अमाउंट पे कर दे तो उसको कॉल्स एंड एडवांस कहते हैं। कॉल्स एंड एडवांस पे भी कंपनी जो इंटरेस्ट है वो पे कर सकती है शेयर होल्डर्स को। अगर कंपनी के आर्टिकल्स में कोई रेट दिया है तो उससे रेट उस रेट से इंटरेस्ट पे होगा, और अगर कोई रेट नहीं है तो टेबल एफ एप्लीकेबल होता है। इसके अकॉर्डिंग कंपनी 12% पर एनम मैक्सिमम इंटरेस्ट कॉल्स एंड एडवांस पे दे सकती है। कॉल्स एंड एडवांस अकाउंट जो होता है ये एक सेपरेट आइटम के तौर पे दिखाया जाता है अदर करंट लायबिलिटीज में कंपनी के बैलेंस शीट में। जब तक ये एडवांस अमाउंट एडजस्ट नहीं हो जाता है तब तक इसको अदर करंट लायबिलिटीज में दिखाया जाता है। जर्नल एंट्री इसकी होती है बैंक डेबिट टू कॉल्स एंड एडवांस, जब कॉल्स एंड एडवांस का पैसा मिलता है तब ये एंट्री होती है, और जब पर्टिकुलर वो कॉल का समय हो जाता है तो एंट्री होती है कॉल्स एंड एडवांस डेबिट टू पर्टिकुलर कॉल अकाउंट। इंटरेस्ट अगर कॉल्स एंड एडवांस पे है तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एंड एडवांस डेबिट टू बैंक अकाउंट एंट्री हो जाती है। ओवर सब्सक्रिप्शन, ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जब कंपनी ने जितने शेयर इश्यू किए पब्लिक को, पब्लिक ने उससे ज्यादा के लिए अप्लाई किया हो। ऐसे केस में कंपनी तीन तरीके से अलॉट कर सकती है शेयर्स को। सबसे पहला तरीका है कुछ जो एप्लीकेंट होते हैं उनको फुल अलॉटमेंट कर दे और बाकी की एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दे। दूसरा तरीका हो सकता है सभी एप्लीकेंट्स को प्रोरेट अलॉटमेंट कर दे, यानी कि किसी को नाराज नहीं करे, जितनी भी एप्लीकेशन आई है सबको शेयर दे दे। जैसे कंपनी को 10,000 शेयर अगर इशू करने थे लेकिन एप्लीकेशन 20,000 की आ गई तो कंपनी पूरे 20,000 के एप्लीकेंट को 10,000 शेयर दे देगा, उसका रेशियो निकाल लेगा 1:2, जिसने जितने शेयर मांगे हैं उसके 50% उसको अलॉट कर देगा। तीसरा तरीका हो सकता है कुछ को अलॉट कर दिया जाए, कुछ को प्रोपोर्शनेट अलॉट कर दिया जाए और कुछ की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाए। नेक्स्ट है अंडर सब्सक्रिप्शन, ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जब जितने शेयर कंपनी ने इशू करे उससे कम संख्या में शेयर्स की एप्लीकेशन कंपनी के पास आए। इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, कंपनी अपने शेयर प्रीमियम पे भी इशू कर सकती है। प्रीमियम पर जब इशू किया जाता है तो जो शेयर की फेस वैल्यू है उससे ज्यादा अमाउंट कंपनी डिमांड करती है, जो ज्यादा अमाउंट होती है उसको प्रीमियम कहते हैं, और इसको सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में रखा जाता है। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट जो होता है यह रिजर्व एंड सरप्लस शीर्षक में बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। सिक्योरिटीज प्रीमियम चूंकि एक कैपिटल रिसीप्ट होती है, कैपिटल गेन होता है, इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम का जो अमाउंट है उसको जनरल यूज में नहीं लिया जा सकता है, और सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज केवल इन फंक्शंस के लिए किया जा सकता है, इन चीजों के लिए किया जा सकता है। सबसे पहला फुल्ली पेड बोनस इशू करने के लिए यूज हो सकता है सिक्योरिटी प्रीमियम का, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए हो सकता है, कोई कमीशन
या डिस्काउंट जो शेयर्स के या डिबेंचर्स के इशू पे किया गया हो उसको राइट ऑफ करने में किया जा सकता है। प्रेफरेंस शेयर्स के रिडेम्पशन पे या डिबेंचर्स के रिडेम्पशन पे अगर कोई प्रीमियम दिया है तो उसको राइट ऑफ करने में हो सकता है। और इसके अलावा शेयर बाई बैक यानी कि कंपनी अपने स्वयं के शेयर परचेज करे उसमें इसका यूज हो सकता है। इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, जनरल रूल ये है कि कोई कंपनी अपने शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती है। ये केवल दो केसेस में कंपनी डिस्काउंट पे शेयर इशू कर सकती है। एक तो अगर वो रीशू है शेयर्स का यानी कि रीशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू किया जा सकता है, और दूसरा स्वैट इक्विटी शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू किया जा सकता है। इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, कंपनी कैश के अलावा अन्य किसी सामान के बदले में भी शेयर इशू कर सकती है। ऐसे केस में शेयर कितने इशू कर रहे हैं इसको कैलकुलेट करने का तरीका होता है अमाउंट पेबल अपॉन इशू प्राइस। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ने कोई एसेट खरीदी है कहीं से 10 लाख रुपए की, तो अगर 10 लाख की कोई एसेट खरीदी है 10 लाख रुपीज की और हमें शेयर इशू करने हैं उसके बदले में, तो हम क्या करेंगे ये देखेंगे शेयर कितने का है। सपोज करिए एक शेयर की जो वैल्यू है वो 10 रुपये है, तो 10 लाख को 10 से डिवाइड करेंगे, इसका मतलब हम 1 लाख शेयर उसको इशू करेंगे उस पार्टी को। फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर, ऐसा हो सकता है कि कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट का या किसी कॉल का अमाउंट ना दे, और वो नोटिस भेजने पर भी अगर नहीं देगा तो कंपनी को राइट होता है उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग कंपनी फॉरफिट कर सकती है ऐसे शेयर्स को। फॉरफिट करने का मतलब है ऐसे शेयर जब्त कर लिए जाएंगे और जो शेयर होल्डर ने अब तक पैसा दिया है वो कंपनी वापस नहीं लौटाएगी, वो भी कंपनी के पास रह जाएगा। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट पार, अगर कंपनी ने फॉरफिट किए हैं शेयर्स ऐसे जिनको एट पार पे इशू किया गया था, तो ऐसे केस में जर्नल एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट कॉल्ड अप अमाउंट से। आज तक जितना अमाउंट कॉल किया है कंपनी ने उतने से ही कैपिटल बनी होगी कंपनी की, और उस कैपिटल को समाप्त कर दिया जाता है डेबिट करके। इसके बाद जो एक्चुअल में अमाउंट शेयर होल्डर उस पर पे कर चुका है उसको शेयर फॉरफीचर अकाउंट में रख लिया जाता है, क्रेडिट कर दिया जाता है। अगर अलॉटमेंट पे कोई पैसा मांगा गया था और वो नहीं आया है तो अलॉटमेंट ड्यू हो गई उसके यहाँ, उसको भी कैंसिल कर दिया जाएगा टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक वैसे ही अगर कोई कॉल्स का पैसा है और वो पैसा नहीं आया है जिसकी वजह से फॉरफिट हो रहे हैं शेयर, तो वो शेयर कॉल भी ड्यू दिख रही होगी, डेबिट दिख रही होगी, उसको भी क्रेडिट करके समाप्त कर दिया जाता है। अगर अलॉटमेंट का पैसा या शेयर कॉल्स का जो अनपेड अमाउंट है उसको कॉल से एरियर में ट्रांसफर किया जा चुका है, तब यहाँ पे टू कॉल से एरियर क्रेडिट किया जाता है। फॉरफीचर ऑफ शेयर इशूड एट प्रीमियम, ऐसे शेयर हो सकते हैं जो प्रीमियम पे इशू हुए थे, अगर उनका फॉरफीचर करेंगे तो एंट्री कैसे होगी। पहला तरीका शेयर कैपिटल अकाउंट, जो कॉल्ड अप अमाउंट है शेयर की कैपिटल की उतनी से डेबिट करेंगे। इसके बाद अगर सिक्योरिटी प्रीमियम का कोई अमाउंट कंपनी ने मांगा था शेयर पे लेकिन वो अभी तक शेयर होल्डर ने पे नहीं किया है, तो ऐसे केस में उस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को भी डेबिट कर दिया जाएगा। और अगेन टू शेयर फॉरफीचर, जो एक्चुअल अमाउंट पे कर चुका है शेयर होल्डर। शेयर अलॉटमेंट, जो अलॉटमेंट पे नहीं किया है उसने। शेयर कॉल्स अकाउंट, जो उसने कॉल्स पे नहीं किया है। नेक्स्ट इज रीशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, फॉरफिटेड शेयर्स का रीशू, जो शेयर फॉरफिट हो चुके हैं उनका रीशू भी किया जा सकता है एट पार पे, प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे। जब रीशू किया जाता है तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट, एक्चुअल अमाउंट रीशू पे जो प्राप्त हो रहा है उससे बैंक को डेबिट कर दिया जाता है। और फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट, अगर रीइश्यू पे कोई डिस्काउंट दी गई है तो रूल होता है कि रीइश्यू पे जो डिस्काउंट दी जाती है शेयर्स पे उस डिस्काउंट को राइट ऑफ किया जाता है फॉरफिटेड अमाउंट से, तो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे। टू शेयर कैपिटल, जितनी नॉमिनल वैल्यू है शेयर्स की जो इशू हो रहे हैं रीइश्यू हो रहे हैं। टू सिक्योरिटी प्रीमियम, अगर रीइश्यू प्रीमियम पे हो रहा है तो सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट किया जाएगा। रीइश्यू के टाइम पे अगर शेयर्स को डिस्काउंट पे रीइश्यू किया गया है तो ये जो डिस्काउंट का अमाउंट है ये किसी भी तरीके से फॉरफिटेड शेयर्स का जो अमाउंट है उससे ज्यादा नहीं हो सकता, यानी कि उन शेयर्स को फॉरफिट करते समय जितना पैसा फॉरफिट किया गया था उससे ज्यादा डिस्काउंट रीइश्यू पे नहीं दी जा सकती है। डिस्काउंट अलाउड रीइश्यू पे फॉरफिट शेयर्स के पे जो भी होती है, यानी कि जो डिस्काउंट अलाउड करते हैं वो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट को ही डेबिट की जाती है ताकि वहां से चार्ज अमाउंट हो जाए। इसके बाद जब शेयर रीइश्यू हो जाते हैं और अगर शेयर फॉरफिटेड अमाउंट में कोई अमाउंट बच जाता है उसका यूज नहीं होता है रीइश्यू पे, तो ऐसे केस में ये शेयर फॉरफिटेड अकाउंट जो होता है
ये शुद्ध लाभ होता है और ये कैपिटल गेन होता है, कैपिटल नेचर का गेन होता है, इसलिए इसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाता है। फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। बाई बैक ऑफ शेयर, कंपनी अपने शेयर मार्केट से खरीद सकती है, इसको बाई बैक ऑफ शेयर कहा जाता है। सेक्शन 68 कंपनीज एक्ट का प्रोवाइड करता है कि कंपनी अपने स्वयं के शेयर बाई कर सकती है विशेष परिस्थितियों में। नेक्स्ट है डिबेंचर्स, इसका टाइप, इशू एंड मेथड ऑफ रिडेम्पशन, इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। सबसे पहले जानेंगे डिबेंचर क्या है। तो वर्ड डिबेंचर डेराइव हुआ है लैटिन वर्ड डेबिरे से, जिसका मतलब होता है बोरो करना। डिबेंचर वास्तव में एक रिटर्न इंस्ट्रूमेंट होता है एक्नोलेजमेंट का कंपनी की तरफ से कि कंपनी ने कोई डेट रेज किया है, और इस डॉक्यूमेंट पे कंपनी की कॉमन सील होती है। हालांकि जो नया एक्ट है कंपनी 2013, उसमें एक अमेंडमेंट हुआ है और उसके माध्यम से कॉमन सील की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको समाप्त कर दिया गया है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 230 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, डिबेंचर में शामिल है, डिबेंचर इंक्लूड है डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड या अन्य कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कंपनी के तरफ से एविडेंस ऑफ डेट हो, यानी कि कंपनी ये एविडेंस देती हो कि कंपनी ने ये डेट रेज किया है कहीं से, चाहे ये चार्ज क्रिएट करता हो कंपनी के एसेट पे या नहीं करता हो। बॉन्ड, बॉन्ड भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है एक्नोलेजमेंट ऑफ डेट का। ट्रेडिशनली मतलब एज पर लॉ बॉन्ड में और डिबेंचर में कोई डिफरेंस होता नहीं है। कंपनीज एक्ट का जो डेफिनेशन है वो ये कहता है डिबेंचर में शामिल है स्वयं डिबेंचर स्टॉक, डिबेंचर्स भी डिबेंचर है, बॉन्ड भी डिबेंचर है और अन्य इंस्ट्रूमेंट भी डिबेंचर है अगर वो डेट का कोई इंस्ट्रूमेंट है। तो ऐसे बॉन्ड जो टर्म है वो यूज की जाती है ट्रेडिशनली जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस या गवर्नमेंट इशू करती थी आम पब्लिक को लोन रेज करने के लिए, तो उसको गवर्नमेंट बॉन्ड बोला जाता था। लेकिन आज की डेट में कुछ सेमी गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी बॉन्ड इशू करते हैं। टाइप ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर्स के टाइप अलग अलग बेसिस पे हो सकते हैं, जैसे सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सिक्योर डिबेंचर हो सकते हैं, अनसिक्योर डिबेंचर हो सकते हैं, टेन्योर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिडीमेबल डिबेंचर हो सकते हैं, इरिडीमेबल हो सकते हैं। हालांकि नया जो कंपनीज एक्ट है वो इरिडीमेबल डिबेंचर्स को अलाउ नहीं करता है। भारत में कोई कंपनी अब इरिडीमेबल डिबेंचर इशू नहीं कर सकती है। कन्वर्टिबल के पॉइंट ऑफ व्यू से कन्वर्टिबल डिबेंचर हो सकते हैं, नॉन कन्वर्टिबल हो सकते हैं। कूपन रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेसिफिक कूपन रेट डिबेंचर हो सकते हैं, जीरो कूपन रेट डिबेंचर होते हैं। आमतौर पे जो डिबेंचर टर्म है वो कूपन रेट डिबेंचर्स के लिए ही होती है। कूपन रेट वो रेट होता है जो डिबेंचर के आगे परसेंटेज के फॉर्म में लगा होता है, जैसे 9% डिबेंचर, 10% डिबेंचर। कूपन रेट ये बताता है कि उस पर्टिकुलर डिबेंचर पे कितना रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा। इसके बाद जीरो कूपन रेट डिबेंचर, ज्यादातर जो जीरो कूपन है ये यूज किया जाता है बॉन्ड के संदर्भ में, क्योंकि बॉन्ड पे कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं रहता है। वो इस तरीके से इशू होते हैं कि उनका जो जितना प्राइस होता है बॉन्ड का उससे कम प्राइस पे उनको इशू कर दिया जाता है, और जो डिफरेंस होता है वही इनकम होती है बॉन्ड होल्डर के लिए। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रजिस्टर्ड डिबेंचर हो सकते हैं, बीआरआर डिबेंचर हो सकते हैं। अब इशू ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर का इशू एट पार पे हो सकता है, प्रीमियम पे हो सकता है, डिस्काउंट पे भी हो सकता है। शेयर्स का जो इशू है वो डिस्काउंट पे नहीं हो सकता था, लेकिन डिबेंचर में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। डिबेंचर को कंसिडरेशन फॉर अदर देन कैश भी इशू किया जा सकता है और कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पे भी किया जा सकता है। इश्यू ऑफ डिबेंचर एट ए डिस्काउंट, जब डिबेंचर को उसके नॉमिनल वैल्यू से कम प्राइस पे इशू किया जाता है तो इसको कहा जाता है डिबेंचर डिस्काउंट पे इश्यू होना। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर के इशू पे जो डिस्काउंट होती है उसको राइट ऑफ कर सकते हैं या तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में डेबिट करके या सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से। कंपनीज एक्ट 2013 कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं करता है इश्यू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट पे। डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम, डिबेंचर प्रीमियम पे भी इशू हो सकते हैं। जब नॉमिनल वैल्यू से ज्यादा पे डिबेंचर को सेल किया जाता है, इशू किया जाता है, तो उसको प्रीमियम कहा जाता है। इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, जैसे शेयर्स को कंसिडरेशन अदर देन कैश के हम इशू कर सकते हैं, वैसे डिबेंचर्स को भी। हम कहीं से कोई फिक्स्ड एसेट खरीदते हैं या कैसी भी कोई एसेट खरीदते हैं और उसके बदले में हम डिबेंचर दे रहे हैं, तो उसको डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश कहा जाता है। इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी, डिबेंचर को एक कोलेटरल सिक्योरिटी के भांति भी इशू किया जा सकता है। कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब सब्सिडियरी सिक्योरिटी या सेकेंडरी सिक्योरिटी या एडिशनल सिक्योरिटी से होता है।
जो प्राइमरी सिक्योरिटी के अलावा होती है, अतिरिक्त होती है। जब कभी हम लोन रेज करते हैं तो बैंक हमसे कोई सिक्योरिटी मांग सकता है। सपोज करिए सिक्योरिटी के फॉर्म पे हमने कोई मशीन या प्लांट अपना दे दिया। अब बैंक कहता है कि ठीक है ये तो एक प्राइमरी सिक्योरिटी हो गई, लेकिन हमें अतिरिक्त सिक्योरिटी चाहिए। तो अतिरिक्त सिक्योरिटी के तौर पे हम अगर डिबेंचर्स का इशू करते हैं तो ऐसे केस में डिबेंचर को कोलेटरल इशू कहा जाएगा। नेक्स्ट है जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री के क्या तरीके हैं डिबेंचर को कोलेटरल सिक्योरिटी के फॉर्म में इशू करने के। पहला मेथड है कि कोई एंट्री ही नहीं की जाती है, क्योंकि वास्तव में ये केवल एक सिक्योरिटी रखी गई है, डिबेंचर इशू नहीं हुए हैं। लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट के में जो लोन दिखाया जाता है बस उसी के साथ एक ब्रैकेट में नोट दे दिया जाता है कि ये जो लोन है ये सिक्योर्ड है बाय इशू ऑफ डिबेंचर्स। सेकंड मेथड, दूसरा मेथड है। पहले मेथड में तो एंट्री नहीं करनी थी, दूसरा मेथड है एंट्री की जाएगी, लेकिन जो एंट्री की जाएगी उसको करने का तरीका होगा डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। इंटरेस्ट डिबेंचर्स पे एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है कंपनी के लिए। इसका मतलब है कि कंपनी को हर हाल में ये पे करना होता है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो। राइटिंग ऑफ डिस्काउंट या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को किस तरीके से राइट ऑफ किया जाता है। क्योंकि डिस्काउंट या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर एक कैपिटल लॉस होता है, इसलिए इसको राइट ऑफ किया जाएगा। कैपिटल जो गेंस होते हैं उनमें से पहले राइट ऑफ किया जाता है। डिस्काउंट को या लॉस को राइट ऑफ किया जा सकता है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से भी, ये सेक्शन 52 अलाउ करता है। इन केस कैपिटल प्रॉफिट डज नॉट एग्जिस्ट, अगर कोई कैपिटल प्रॉफिट नहीं है या अपर्याप्त मात्रा में, तो ऐसे केस में रेवेन्यू प्रॉफिट से भी इसको राइट ऑफ किया जा सकता है। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर्स का रिडेम्पशन। तो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर का मतलब होता है कि एक अवधि समाप्त होने के बाद डिबेंचर्स का जो अमाउंट है उसको लायबिलिटी को डिस्चार्ज कर देना, यानी कि जिन लोगों ने डिबेंचर परचेज किए थे और कंपनी को अमाउंट दिया था, अब उनका पैसा कंपनी वापस कर देगी और डिबेंचर जो है वो समाप्त हो जाएंगे। टाइम ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर के रिडेम्पशन का टाइम। जनरली तो जो डिबेंचर्स होते हैं वो ड्यू डेट पे ही रिडीम होते हैं जब पीरियड पूरा हो जाता है, लेकिन एक कंपनी चाहे तो डिबेंचर्स को मैच्योरिटी से पहले भी पे कर सकती है, रीपे कर सकती है, रिडीम कर सकती है, अगर कंपनी के आर्टिकल्स ये प्रोवाइड करते हो, प्रोविजन रखते हो। सोर्सेज ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर्स रिडीम होंगे तो उसका सोर्स क्या हो सकता है। डिबेंचर्स का रिडीम करने का सोर्स या तो आउट ऑफ कैपिटल हो सकता है या आउट ऑफ प्रॉफिट हो सकता है। जब कंपनी अपने प्रॉफिट्स में से अमाउंट रिजर्व करे और उस के माध्यम से डिबेंचर्स को रिडीम किया जाए तो उसको आउट ऑफ प्रॉफिट रिडेम्पशन कहलाता है। अगर कंपनी ने प्रॉफिट्स को रिजर्व नहीं किया है, प्रॉफिट्स बचा के नहीं रखे हैं और कंपनी जो अवेलेबल फंड है उन्हीं में से डिबेंचर्स को रिडीम करती है, तो ऐसे केस में रिडेम्पशन आउट ऑफ कैपिटल बोला जाता है। इसके संदर्भ में दो चीजें हमें जाननी है, DRI और DRR। DRI है डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। कंपनीज के लिए रिक्वायरमेंट होता है कि अगर वो किसी पर्टिकुलर ईयर में डिबेंचर्स को रिडीम करना चाहती हैं तो उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के 30 अप्रैल से पहले डिबेंचर्स के फेस वैल्यू का जितना वो रिडीम करना चाह रहे हैं उसके फेस वैल्यू का कम से कम 15% डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट करेंगे, DRI बनाएंगे। नेक्स्ट है DRR, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। अगस्त 2019 में, पहले DRR की रिक्वायरमेंट अलग थी, लेकिन अगस्त 2019 में कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री ने डिक्लेयर किया कि अभी तक जो रिक्वायरमेंट थी 25% DRR की, पहले थी ये इससे पहले, ऑफ द वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर, जितने भी आउटस्टैंडिंग डिबेंचर है कंपनी के उसका 25% DRR बनता था, लेकिन समाप्त कर दिया। किसके लिए समाप्त कर दिया? लिस्टेड कंपनीज के लिए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए ये रिमूव कर दिया। चेंजेज एप्लीकेबल हुए पब्लिक इशू एज वेल एज प्राइवेट प्लेसमेंट, दोनों के लिए ये चेंजेज हुए। तो कुल मिलाकर के अब लिस्टेड कंपनीज को, NBFCs को, HFCs को DRR बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है इन केस ऑफ अनलिस्टेड कंपनीज, लेकिन अनलिस्टेड कंपनी के केस में DRR बनाना पड़ेगा, और बनाना पड़ेगा लेकिन उसका भी रेट अब केवल 10% रह गया, 25% से वो भी नहीं बनाना होगा। डिबेंचर्स रिडीम किया जा सकते हैं किस तरीके से? तो पेमेंट इन लंपसम, एकमुश्त राशि दी जा सकती है डिबेंचर होल्डर्स को, इंस्टॉलमेंट में अमाउंट दी जा सकती है,
ओपन मार्केट से डिबेंचर खरीदे जा सकते हैं और उनको राइट ऑफ किया जा सकता है। इसके अलावा डिबेंचर्स को कन्वर्ट किया जा सकता है शेयर्स में या नए डिबेंचर्स में। फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर इन जॉइंट स्टॉक कंपनीज, इसके लिए हम जानेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। तो मोस्ट कॉमन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट को इनकम स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी कहा जाता है। बैलेंस शीट को पोजिशन स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन भी कहा जाता है। प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो एट द एंड ऑफ द ईयर या एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद जब कोई कंपनी या कोई भी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन अपना ट्रायल बैलेंस बना चुकी होती है, तो ट्रायल बैलेंस के बाद बनता है ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट। ट्रायल बैलेंस में जितने भी नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं उनको ट्रांसफर किया जाता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और जो रियल और पर्सनल अकाउंट्स होते हैं इनके बैलेंसेज को लिखा जाता है बैलेंस शीट में। ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन के लिए। बैलेंस शीट बनाई जाती है फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए, जो समराइज करती है कि टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज एट ए गिवन डेट कितनी है किसी ऑर्गेनाइजेशन की। प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करना, तो प्रोप्राइटरी फर्म के लिए यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप जो होती है या पार्टनरशिप फर्म्स जो होती हैं उनके लिए बैलेंस शीट का कोई प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म नहीं है, लेकिन कंपनीज के केस में कंपनी के लिए कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल थर्ड और पार्ट वन में कंपनी की बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ही कंपनी अपनी बैलेंस शीट बनाती है। मार्शलिंग एंड ग्रुपिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, बैलेंस शीट बनाते समय एसेट्स और लायबिलिटीज को अरेंज करना एक पर्टिकुलर ऑर्डर में मार्शलिंग कहलाता है। एसेट्स और लायबिलिटीज जो होती हैं उनको ऑर्डर किया जा सकता है या तो लिक्विडिटी के ऑर्डर में या परमानेंस के ऑर्डर में। ग्रुपिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज का मतलब होता है कि जब बैलेंस शीट बनाएं तो एक अलग अलग हेड्स हों और उन हेड्स के अंतर्गत एसेट्स को या लायबिलिटीज को हम ग्रुप करें, इसको ग्रुपिंग कहा जाता है। मेजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ए कंपनी, कंपनी के मेजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल और कैश फ्लो स्टेटमेंट। बैलेंस शीट कंपनीज एक्ट में जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया है वो इस तरीके से है। बैलेंस शीट कंपनीज के केस में केवल वर्टिकल फॉर्मेट में ही बनेगी, वर्टिकल फॉर्मेट ही ये दिया हुआ है जो प्रेस्क्राइब्ड है। इसमें पर्टिकुलर्स में जो बैलेंस शीट को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, पहला हिस्सा है इक्विटीज एंड लायबिलिटीज को। इक्विटीज एंड लायबिलिटीज पहला पार्ट है बैलेंस शीट का, और जो सेकंड पार्ट है वो है एसेट्स। जो पहला पार्ट है इक्विटीज एंड लायबिलिटीज उसको चार मेजर हेडिंग में डिवाइड किया गया है। दो मेजर हेडिंग इक्विटी से रिलेटेड है और बाकी की दो मेजर हेडिंग लायबिलिटी से रिलेटेड है। इक्विटी से रिलेटेड जो दो मेजर हेडिंग है वो है शेयर होल्डर्स फंड और दूसरी है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल, ये सब हेडिंग है इसकी। रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। ठीक ऐसे ही लायबिलिटीज से रिलेटेड भी दो मेजर हेडिंग है, यानी कि इक्विटीज एंड लायबिलिटीज साइड में टोटल चार मेजर हेडिंग है। उन चारों मेजर हेडिंग को बांटा गया है सब हेडिंग्स में, तो ये पहली मेजर हेडिंग है और ये इसकी सब हेडिंग्स है। सेकेंड मेजर हेड है, इसका कोई सब हेड नहीं है। बाकी लायबिलिटी से रिलेटेड जो दो मेजर हेड है उनमें एक नॉन करंट लायबिलिटी और दूसरा करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी के ये सब हेड्स हैं और करंट लायबिलिटीज के भी ये सब हेड्स हैं। एसेट को भी दो मेजर हेड्स में बांटा गया है, एक नॉन करंट एसेट, दूसरा करंट एसेट। अगेन जो मेजर हेड नॉन करंट एसेट है उसको टोटल फाइव सब हेड्स में बांटा गया है। जो फिक्स्ड एसेट नामक सब हेड है इसको अगेन हेड्स में बांटा गया है, चार सब अंडर हेड्स में बांटा गया है। जो करंट एसेट्स है उनको टोटल सिक्स सब हेड्स में बांटा गया है। तो ये तरीका है, और इनके जो टोटल इनकी डिटेल होती है जैसे करंट इन्वेस्टमेंट की, अब डिटेल कहाँ रहेगी उसके लिए नोट्स टू अकाउंट्स बाद में बनाए जाते हैं। फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, ऐसे ही स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का भी फॉर्मेट कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल थर्ड के पार्ट टू में दिया है। पार्ट वन में बैलेंस शीट, पार्ट टू में प्रॉफिट एंड लॉस। जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसको भी ऐसे ही मेजर हेड और सब हेड में दिया गया है।
सबसे पहला जो मेजर हेड है वो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेकंड है अदर इनकम। इन दोनों को जोड़ दिया जाता है, टोटल रेवेन्यू आ जाती है। फोर्थ हेड है एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस को आगे इन सब हेड्स में बांटा गया है, टोटल एक्सपेंसेस निकाल दिया जाता है। और अब इसके बाद टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस को माइनस किया जाता है, तो वो आ जाता है प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। इसके बाद एक्सेप्शनल आइटम्स लिखे जाते हैं और ये माइनस किए जाते हैं 0.5 में से, प्रॉफिट में से, तो आ जाता है प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। इसके बाद एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम लिखे जाते हैं और इनको भी माइनस कर दिया जाता है, तो फिर जो प्रॉफिट आता है इसके बाद में वो आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसके बाद टैक्स माइनस किया जाता है, टैक्स एक्सपेंस, करंट टैक्स या डेफर्ड टैक्स, इनको माइनस करते हैं। इसके बाद आ जाता है प्रॉफिट या लॉस फॉर द पीरियड फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। इसके बाद प्रॉफिट या लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन निकाला जाता है और इनको दोनों को एड करके टोटल प्रॉफिट बाद में कैलकुलेट किया जाता है। तो कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस तो जो लगातार चलती रहती है कंपनी के मेन बिजनेस से, कुछ ऐसे ऑपरेशंस होते हैं जो अभी किसी कारणवश कंपनी के बिजनेस ऑपरेशंस बंद हैं, बट कंपनी होल्ड कर रही है उन एक्टिविटीज को, तो उनमें जो प्रॉफिट या लॉस है वो लिखा जाता है, उस पर अगर कोई टैक्स है तो वो भी लिखा जाता है। और टैक्स को एडजस्ट करने के बाद आ जाता है प्रॉफिट या लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। अब प्रॉफिट या लॉस कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस का पहले आ चुका है, अब डिसकंटिन्यूइंग का आ गया, दोनों को मिलाकर के प्रॉफिट या लॉस फॉर द पीरियड आ जाता है। इसके बाद अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट किया जाता है, जो प्रॉफिट आया है उसको शेयर से डिवाइड कर दिया जाता है, तो अर्निंग पर शेयर आ जाता है। अर्निंग पर शेयर बेसिक और डाइल्यूटेड दोनों कैलकुलेट करके दिखाया जाता है। अब है इमर्जिंग ट्रेंड्स ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। जो फाइनेंशियल अकाउंट्स है उनके प्रेजेंटेशन में कुछ इमर्जिंग ट्रेंड्स जो आ रहे हैं, तो क्लाउड बेस्ड अकाउंटिंग अब यूज होती है, रियल टाइम फाइनेंशियल डैशबोर्ड्स रेडी होते हैं, AI driven analytics यूज किया जाता है, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग पे फोकस है, इसके अलावा ESG इंटीग्रेशन है, ESG में एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस फैक्टर्स को शामिल किया जाता है फाइनल अकाउंट्स बनाते समय। अकाउंटिंग फॉर लिक्विडेशन, एक कंपनी का जब लिक्विडेशन होता है तो उसका भी एक प्रॉपर अकाउंटिंग का प्रोसीजर होता है। लिक्विडेशन या वाइंडिंग अप कंपनी का जो होता है ये एक लीगल प्रोसेस होता है। सेक्शन 2 सब सेक्शन 94A कंपनीज एक्ट 2013 का कहता है कि वाइंडिंग अप का मतलब है वाइंडिंग अप अंडर दिस एक्ट और लिक्विडेशन अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड एक्ट 2016, जो भी एप्लीकेबल हो। वाइंडिंग अप हो सकता है एक कंपलसरी वाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल, अगर ऐसा होता है तो कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर वाइंडिंग अप होगा, और वॉलेंट्री वाइंडिंग अप होगा अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016। फॉलोइंग लिस्ट आर अटैच टू स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, इसके जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनते हैं बाइंडिंग में उनमें कुछ लिस्ट अटैच होती हैं, जैसे लिस्ट ए, लिस्ट ए में वो एसेट होती हैं जो स्पेसिफिकली प्लेज नहीं है किसी क्रेडिटर के लिए, लिस्ट बी में वो एसेट होती हैं जो स्पेसिफिकली प्लेज होती हैं फुल्ली सिक्योर्ड या पार्टी सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के लिए, लिस्ट सी में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स दिए होते हैं, लिस्ट डी में लिस्ट होती है डिबेंचर होल्डर्स की और बाकी क्रेडिटर्स की जो एसेट्स पे फ्लोटिंग चार्ज रखते हैं, लिस्ट ई में नेम एड्रेस ऑक्यूपेशन होते हैं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के और उनका अमाउंट ड्यू लिखा होता है, लिस्ट एफ में नेम एंड नंबर इन वैल्यू ऑफ शेयर्स होती है जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास होते हैं, लिस्ट जी में इक्विटी शेयर होल्डर्स के नेम और उनकी होल्डिंग्स होती है, और लिस्ट एच में डेफिशिएंसी या सरप्लस जो भी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से निकल के आता है उसका वर्णन होता है। लिक्विडेटर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, लिक्विडेशन के समय पे लिक्विडेटर एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट तैयार करता है जिसमें रिसीट्स एंड पेमेंट लिखे होते हैं, ये लिक्विडेटर के द्वारा तैयार किया जाता है जिसमें वो एसेट का कलेक्शन दिखाता है और जो अमाउंट रियलाइज हुई है उसको क्लेमेंट्स यानी कि लायबिलिटीज के बीच उसके बंटवारे को डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाता है। ये एक फॉर्मेट है लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट का। रिसीट साइड में कैश ऑफ बैंक, कैश एंड बैंक जो अवेलेबल था पहले से, एसेट्स से जो अमाउंट रियलाइज हुआ, सिक्योरिटीज से कुछ सरप्लस मिला या कॉन्ट्रीब्यूटीज से कोई अमाउंट अगर आया है तो, पेमेंट लीगल चार्जेज पे करें, लिक्विडेटर का रेमुनरेशन, लिक्विडेशन के खर्चे, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स की पेमेंट, डिबेंचर्स की पेमेंट जिनका फ्लोटिंग चार्ज है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की पेमेंट, देन
प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की पेमेंट और फाइनली इक्विटी शेयर होल्डर्स की पेमेंट। मीनिंग ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस का मतलब क्या है? तो प्रोसेस जिसमें क्रिटिकल इवेल्युएशन किया जाता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर रहती है, ताकि अंडरस्टैंड कर सकें, समझ सकें और डिसीजन ले सकें। फाइनेंशियल एनालिसिस में एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन दोनों वर्ड ही शामिल हैं। एनालिसिस का मतलब यहाँ पे होता है सिंप्लीफिकेशन करना फाइनेंशियल डेटा का मेथोडिकल क्लासिफिकेशन करके, और इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि जो मीनिंग और सिग्निफिकेंस डेटा का है उसको एक्सप्लेन करना। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑब्जेक्टिव है जज करना फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द फर्म, एसर्टेन करना रिलेटिव इंपोर्टेंस डिफरेंट कंपोनेंट्स का, आइडेंटिफाई करना रीजन, चेंज इन प्रॉफिटेबिलिटी या फाइनेंशियल पोजीशन अगर कोई है तो, जज द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू रीपे इट्स डेट्स, यानी सोल्वेंसी जो सिचुएशन है उसको समझना। टूल्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो टूल्स हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, ट्रेंड एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस, फंड फ्लो एनालिसिस। कंपैरेटिव स्टेटमेंट। कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एब्सोल्यूट चेंज या परसेंटेज चेंज होता है उसको दिखाना। एक फर्म की अलग अलग अवधि में जो चेंज है या दो फर्म के बीच में कंपेयर करना, ऐसे फाइनेंशियल एनालिसिस के मेथड को हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी कहा जाता है। नेक्स्ट कॉमन साइज स्टेटमेंट। कॉमन साइज स्टेटमेंट को कंपोनेंट परसेंटेज स्टेटमेंट भी कहा जाता है। यह एक फाइनेंशियल टूल है जिसमें स्टडी करते हैं महत्वपूर्ण चेंजेस का या ट्रेंड्स का, फाइनेंशियल पोजिशन में जो चेंजेस आते हैं या ऑपरेशनल रिजल्ट एक कंपनी का। इसके अंदर 100% बेस लिया जाता है और बाकी जितनी भी रिलेटेड फिगर्स होती हैं उसको इसके परसेंटेज के तौर पे देखा जाता है। कॉमन साइज बैलेंस शीट अगर बनाते हैं तो बैलेंस शीट में जो टोटल ऑफ एसेट होता है उसको 100 लिया जाता है और बाकी जितने भी आइटम्स होते हैं उसको इसके परसेंटेज के फॉर्म में निकाला जाता है। अगर कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो जो नेट सेल होता है उसको 100 लिया जाता है और बाकी टर्म इसके परसेंटेज में निकाले जाते हैं। जैसा हम इस एग्जांपल से देख सकते हैं कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट है यह, और कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट में इसमें हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर कर रहे हैं एक पीरियड से दूसरे पीरियड का एक फर्म का। तो जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, लास्ट में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इनमें एब्सोल्यूट चेंज कितना हो रहा है और फिर उसके बाद परसेंटेज चेंज कितना हो रहा है, ये तो कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट में। ऐसे ही कंपैरेटिव बैलेंस शीट में भी चेंज और परसेंटेज चेंज देखा जाता है। कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट या कॉमन साइज बैलेंस शीट जो होती है उसमें क्या करते हैं, उसमें इनकम स्टेटमेंट के केस में जो नेट सेल है उसको 100 मान लिया जाता है। जैसे यहाँ पे नेट सेल या इसको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहें, इसको 100 मान लिया जाता है। ये 15-16 का 100 है और ये 16-17 का जो है ये इसका बेस 100 है। बाकी अब ये तो बेस हो गए और इनके आधार पे इन सब का परसेंटेज निकालेंगे अलग अलग इन कंपोनेंट्स का। जैसे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो 12 लाख अपॉन 25 लाख इंटू 100, ऐसे ही 13 लाख अपॉन 25 लाख इंटू 100, ऐसे ही 1 लाख 20 थाउजेंड अपॉन 25 लाख इंटू 100, यानी कि सब का परसेंटेज निकल रहा है। तो इस तरीके से हम, ये इस ईयर का है, ये इस ईयर का है, अलग अलग ईयर्स का। नेक्स्ट है लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। फाइनेंशियल एनालिसिस के लिमिटेशंस क्या हैं? फाइनेंशियल एनालिसिस प्राइस लेवल चेंजेस को कंसीडर नहीं करता है। फाइनेंशियल एनालिसिस मिसलीडिंग हो सकता है अगर फर्म अकाउंटिंग प्रोसीजर में कोई चेंज करे और उसकी जानकारी एनालाइज करने वाले को ना हो। फाइनेंशियल एनालिसिस केवल एक स्टडी होती है रिपोर्ट्स की। मॉनेटरी इंफॉर्मेशन केवल कंसीडर की जाती है फाइनेंशियल एनालिसिस में। नॉन मॉनेटरी एस्पेक्ट चाहे कितना भी महत्वपूर्ण हो वो इग्नोर हो जाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के बेसिस पे और इससे इसमें जो करंट पोजीशन है वो सही से रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती है। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग रेशियोज। अकाउंटिंग रेशियोज का मीनिंग, एक रेशियो
रिलेशनशिप होता है दो या दो से ज्यादा नंबर्स के बीच में, इसको फ्रैक्शन, प्रोपोर्शन, परसेंटेज या नंबर ऑफ टाइम्स में व्यक्त किया जा सकता है। ऑब्जेक्टिव रेशियो एनालिसिस का, रेशियो एनालिसिस का ऑब्जेक्टिव होता है टू नो द एरियाज ऑफ द बिजनेस विच नीड मोर अटेंशन, ऐसे क्षेत्रों की पहचान करना जहां पर ज्यादा अटेंशन की जरूरत है। टू नो अबाउट द पोटेंशियल एरियाज, ऐसे पोटेंशियल एरियाज के बारे में जानना जहां पे अगर इम्प्रूव किया जाए और डिजायर्ड डायरेक्शन की जरूरत होती है, मतलब जिस डायरेक्शन में हम चेंज करना चाहते हैं उस दशा में हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ऐसे एरिया की पहचान करना। टू प्रोवाइड ए डीपर एनालिसिस, एक डीपर एनालिसिस करना फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, सोल्वेंसी और एफिशिएंसी का। एडवांटेजेस रेशियो एनालिसिस के, रेशियो एनालिसिस के एडवांटेजेस हैं, ये हेल्प करता है डिसीजंस की एफिकेसी को अंडरस्टैंड करने में, जो कॉम्प्लेक्स फिगर्स होते हैं उनको सिंप्लीफाई करने में और रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने में, कंपैरेटिव एनालिसिस को आसान बनाने में, प्रॉब्लम एरियाज को आइडेंटिफाई करने में और शॉर्ट एनालिसिस कर पाने में। इसके लिमिटेशंस रेशियो एनालिसिस के, अकाउंटिंग डेटा के जो लिमिटेशन है उन्हीं के आधार पर रेशियो निकालते हैं तो उसके भी लिमिटेशन होते हैं। प्राइस लेवल चेंजेज इग्नोर होते हैं, इसमें भी इग्नोर होता है। क्वालिटेटिव या नॉन मॉनेटरी एस्पेक्ट, वेरिएशन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस में हो सकता है और फोरकास्टिंग पूरी तरह से सही नहीं हो सकता है, ये इसके लिमिटेशन है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रेशियोज, रेशियोज के टाइप, डिफरेंट टाइप के रेशियोज हो सकते हैं। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में रेशियोज को हम बांटते हैं स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल रेशियोज, बैलेंस शीट रेशियोज और कंपोजिट रेशियोज में। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल रेशियोज ऐसे रेशियोज जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की दो फिगर्स के बीच में होते हैं। बैलेंस शीट रेशियोज ऐसे रेशियो जो बैलेंस शीट की दो फिगर्स के बीच में होते हैं। कंपोजिट रेशियो ऐसे रेशियो जिनमें एक फिगर पी एंड एल की हो सकती है, दूसरी बैलेंस शीट की। सेकेंड होता है फंक्शनल क्लासिफिकेशन, फंक्शन के आधार पर क्लासिफाई किया जाता है, इसमें लिक्विडिटी रेशियो, सोल्वेंसी रेशियोज, एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियोज, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। लिक्विडिटी रेशियोज फर्म की शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी या लिक्विडिटी के बारे में बताते हैं। इनमें मुख्य रेशियो है करंट रेशियो और क्विक रेशियो। क्विक रेशियो को लिक्विड रेशियो या एसेट टेस्ट रेशियो भी बोला जा सकता है। करंट रेशियो जो होता है ये प्रोपोर्शन होता है करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के बीच में, और एक सेफ रेशियो माना जाता है करंट रेशियो जब वो 2:1 होता है। करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। क्विक रेशियो या लिक्विड रेशियो या एसेट टेस्ट रेशियो, ये प्रोपोर्शन होता है क्विक एसेट और करंट लायबिलिटीज के बीच में, और ये बेटर माना जाता है अगर 1:1 होता है। तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। नेक्स्ट सोल्वेंसी रेशियो, सोल्वेंसी रेशियो जो होते हैं ये लॉन्ग टर्म की सोल्वेंसी को देखते हैं। इसमें मुख्य रेशियो है डेट इक्विटी रेशियो, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, प्रॉपर्टी रेशियो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। सबसे पहले डेट इक्विटी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो डेट और इक्विटी के बीच में रिलेशनशिप को देखता है, और डेट इक्विटी रेशियो बेटर माना जाता है अगर ये 2:1 होता है। तो डेट इक्विटी रेशियो निकालने का फॉर्मूला है लॉन्ग टर्म डेट अपॉन शेयर होल्डर फंड्स। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, इसमें डेट और कैपिटल एम्प्लॉयड जो होता है उसका रिलेशनशिप देखा जाता है, और इसको निकालने का फॉर्मूला है लॉन्ग टर्म डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। नेक्स्ट प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो का मतलब होता है जो शेयर होल्डर फंड है उसका कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ रिलेशनशिप। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला है शेयर होल्डर फंड अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। टोटल असेट टू डेट रेशियो, टोटल असेट और डेट का रेशियो इसमें देखा जाता है। फॉर्मूला होता है टोटल असेट अपॉन लॉन्ग टर्म डेट। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इसमें यह देखा जाता है कि जो प्रॉफिट्स हैं वो इंटरेस्ट को आसानी से कवर कर पाते हैं या नहीं कर पाते। फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स। एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो, एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो फर्म की परफॉर्मेंस के बारे में बताते हैं, मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस के बारे में बताते हैं। मुख्य एक्टिविटी रेशियो है इन्वेंटरी टर्नओवर, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर, ट्रेड पेएबल टर्नओवर, इन्वेस्टमेंट टर्नओवर, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो जो होता है उसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंटरी। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला है नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला है नंबर ऑफ डेज ऑफ मंथ्स और नंबर ऑफ डेज और नंबर ऑफ मंथ्स अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो।
ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल। एवरेज ट्रेड पेबल निकालने का तरीका होता है ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल डिवाइडेड बाई टू, और ट्रेड पेबल में शामिल करते हैं क्रेडिटर और बिल्स पेबल दोनों को। एवरेज पेमेंट पीरियड, एवरेज पेमेंट पीरियड निकाला जाता है नंबर ऑफ डेज और मंथ इन ईयर अपॉन ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। नेक्स्ट इज वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, फॉर्मूला है नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन वर्किंग कैपिटल। अब इसके बाद आते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में मेजर रेशियोज हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन नेटवर्थ, अर्निंग पर शेयर, बुक वैल्यू पर शेयर, डिविडेंड पे आउट रेशियो और प्राइस अर्निंग रेशियो। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, तरीका है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या नेट सेल इनटू 100। ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो दरअसल ऑपरेटिंग कॉस्ट के बारे में बताता है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट का नेट रेवेन्यू से क्या रिलेशन है। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इसका रेसिप्रोकल होता है ऑपरेटिंग रेशियो का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकाल सकते हैं 100 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालने का तरीका डायरेक्ट है ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला नेट प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। नेट प्रॉफिट जनरली जब तक कोई स्पष्ट इंफॉर्मेशन ना हो तो नेट प्रॉफिट का मतलब होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, फॉर्मूला है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड और रिटर्न ऑन नेटवर्थ, फॉर्मूला प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन शेयर होल्डर्स फंड इनटू 100। अर्निंग पर शेयर, इसमें पर शेयर अर्निंग निकाली जाती है, फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। नेक्स्ट बुक वैल्यू पर शेयर, बुक वैल्यू पर शेयर का फॉर्मूला है इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। डिविडेंड पे आउट रेशियो, डिविडेंड पे आउट रेशियो का फॉर्मूला डिविडेंड पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर इंटू 100। इसमें यह देखा जाता है कि जो अर्निंग है उसमें से कितना पे आउट किया जा रहा है, कितना डिविडेंड दिया जा रहा है। प्राइस अर्निंग रेशियो, फॉर्मूला है मार्केट प्राइस ऑफ ए शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर। नेक्स्ट इज फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो तैयार किया जाता है कैश और कैश इक्विवेलेंट्स के इनफ्लो और आउटफ्लो को समझने के लिए। इसे प्रिपेयर किया जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज के अकॉर्डिंग। इसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो टर्म है इसका मतलब क्या होता है, AS 3 के अकॉर्डिंग कैश जो होता है इसका मतलब कैश इन हैंड और कैश एट बैंक जो डिमांड डिपॉजिट्स में होता है जैसे सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट। कैश इक्विवेलेंट का मतलब होता है शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट जिनको आसानी से कैश में कन्वर्ट कर सके और कम से कम रिस्क में। देन कैश फ्लो, कैश फ्लो का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ कैश इन और आउट, या तो कैश आई संस्था में या संस्था से कैश जाए तो वो कैश का फ्लो है। रिसीव्ट ऑफ कैश फ्रॉम ए नॉन कैश आइटम, अगर किसी नॉन कैश आइटम से कैश मिलता है जैसे हम मशीन बेचे और हमें कैश मिल जाए तो यह कैश फ्लो बनता है और इसको कैश इनफ्लो कहते हैं। ऐसे ही कैश पेमेंट नॉन कैश आइटम से रिलेटेड, जैसे मशीन खरीदे और कैश पेमेंट करें तो इससे कैश आउटफ्लो होगा। कैश मैनेजमेंट में शामिल होता है इन्वेस्टमेंट ऑफ एक्सेस कैश भी। क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटी फॉर प्रेपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट में सभी एक्टिविटीज को 3 पार्ट में बांटते हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, और सभी का अलग अलग कैश फ्लो निकालते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज होती हैं किसी बिजनेस की। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स होता है, और फाइनेंशियल एक्टिविटीज में फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में किसी संस्था के जो ओनर्स कैपिटल है या लॉन्ग टर्म डेट होते हैं उनमें जो चेंज होता है उसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी कहा जाता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट मोटे तौर पर अगर मेन हेड देखें तो किस तरीके से बनता है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकाल दिया जाता है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकाल दिया जाता है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी निकाल दिया जाता है, तीनों को ऐड किया जाता है। और ये जो ऐड है अगर ये पॉजिटिव है तो नेट इंक्रीज आ जाता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में,
अगर नेगेटिव होता है तो ये नेट डिक्रीज मान लिया जाता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में। इसके बाद जो भी चेंज आता है उसमें ऐड करते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग, शुरू वाला, और ये आ जाना चाहिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द एंड। इससे ये वेरिफिकेशन भी अमाउंट का हो जाता है। एसर्टेनमेंट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो निकालना। तो दो मेथड होते हैं इसके, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड जो होता है कैश फ्लो का, इसमें डायरेक्टली कैश रिसीट और कैश पेमेंट को देखा जाता है। इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड में जो इनडायरेक्ट तरीके से हम कैश फ्लो निकालते हैं, इसके लिए सबसे पहले प्रॉफिट ले लिया जाता है किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, उसका नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कितना है। फिर उसमें एडजस्टमेंट करते हैं नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की। नॉन कैश आइटम जैसे डेप्रिसिएशन, गुडविल, रिटर्न ऑफ प्रोविजन, डेफर्ड टैक्स, ये फिर से ऐड कर दिए जाते हैं प्रॉफिट में, क्योंकि इससे कैश में कोई कमी नहीं आई है। और ऑल इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग इनकम्स ये डिडक्ट की जाती हैं अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट से। जो भी इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग की इनकम होती है वो यहाँ पे घटा दी जाती है, और जो एक्सपेंस होते हैं वो यहाँ पे जोड़े जाते हैं। एक तरह से हम वापस कर रहे होते हैं हर चीज को। इंक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इसको डिडक्ट करते हैं, और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन करंट एसेट इसको ऐड करते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज डायरेक्ट मेथड से निकालने का तरीका है कैश प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज, जो गुड्स के सेल करने से पैसा मिला, इसमें ऐड करेंगे कैश कलेक्ट जो किया हो कस्टमर या डेटर से, लेस करेंगे कोई कैश परचेज, लेस करेंगे कैश पे किए सप्लायर को या क्रेडिटर को, और लेस करेंगे कोई भी कैश एक्सपेंस जो ऑपरेटिंग नेचर का हो। ऐसा करने से नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकल आएगा। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करना। इनडायरेक्ट मेथड से जब कैलकुलेट करते हैं तो इसमें नेट प्रॉफिट या लॉस बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम लेते हैं सबसे पहले, फिर उसमें एडजस्टमेंट करते हैं। एडजस्टमेंट करते हैं जो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम इसमें से पहले घट चुके हैं उनको ऐड करते हैं, जैसे डेप्रिसिएशन, गुडविल, रिटर्न ऑफ, इंटरेस्ट। ठीक वैसे ही नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग इनकम अगर कोई है जो पहले जुड़ चुकी है तो उसको घटाते हैं, लेस करेंगे डिविडेंड रिसीव्ड और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ऐसा करने से हमारा प्रॉफिट बन जाता है बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब इसमें वर्किंग कैपिटल चेंजेस को एडजस्ट करते हैं, उसका तरीका होता है ऐड करते हैं डिक्रीज इन करंट एसेट को और लेस करंट एसेट्स के कम होने को ऐड करते हैं और करंट लायबिलिटीज के इंक्रीज होने को ऐड करते हैं, लेस करते हैं इंक्रीज इन करंट एसेट, करंट एसेट बढ़ी तो कम करते हैं और करंट लायबिलिटी कम होती है तो कम करते हैं। इस तरीके से हमारे पास आ जाता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। अब टैक्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम को एडजस्ट करते हैं तो लेस करेंगे इनकम टैक्स पेड और लेस करेंगे एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेमेंट अगर कोई हुई है तो, ऐड करेंगे इनकम टैक्स रिफंड और ऐड करेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिसीट अगर कोई है तो। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नेक्स्ट फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट है जो चेंज दिखाता है वर्किंग कैपिटल में। इसको स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड, समरी ऑफ फाइनेंशियल ऑपरेशंस, फंड्स जनरेटेड एंड एक्सपेंडेड, वेयर गॉट इन वेयर गोन स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल भी कहा जाता है। फंड का मतलब फंड फ्लो स्टेटमेंट में होता है नेट वर्किंग कैपिटल से। वर्किंग कैपिटल के दो कॉन्सेप्ट हैं, ग्रॉस और नेट। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में मान लिया जाता है एक फर्म की जो करंट एसेट्स होती हैं उन सबको। नेट वर्किंग कैपिटल में करंट एसेट्स में से माइनस करते हैं करंट लायबिलिटीज, जो एक्सेस बचता है उसको नेट वर्किंग कैपिटल कहा जाता है। फ्लो ऑफ फंड, फ्लो ऑफ फंड होता है जब इंक्रीज या डिक्रीज होता है वर्किंग कैपिटल में। फ्लो ऑफ फंड होगा ऐसी ट्रांजेक्शन में जिसमें एक आइटम करंट हो और दूसरा नॉन करंट हो। नो फ्लो ऑफ फंड, अगर दोनों ही आइटम करंट नेचर के हैं तो कोई फ्लो ऑफ फंड नहीं होगा। जैसे डेटर से कैश कलेक्ट किया तो कैश बढ़ गया और डेटर जो है वो कम हो गए, लेकिन है क्या, डेटर और कैश दोनों ही करंट एसेट के अंतर्गत आते हैं, तो एक घटा एक बढ़ा उतनी अमाउंट से तो करंट एसेट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, कुल मिलाकर के कोई फ्लो ना आया ना गया। ऐसे ही बोथ नॉन करंट एसेट, अगर दोनों ही नॉन करंट आइटम है, सॉरी नॉन करंट आइटम, अगर दोनों ही नॉन करंट आइटम है तब भी कोई फ्लो ऑफ फंड नहीं होता है। जैसे
परचेज किया बिल्डिंग को और बदले में डिबेंचर इशू कर दिए, तो फंड ना बढ़ा ना घटा, मतलब जो करंट एसेट्स और वर्किंग कैपिटल है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। शेड्यूल ऑफ चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल, शेड्यूल ऑफ चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल प्रिपेयर किया जाता है फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाने से पहले। इसको प्रिपेयर कर सकते हैं करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज दो पीरियड की जो होती है उनमें कंपेयर करने के लिए। रूल्स ऑफ प्रिपेयरिंग शेड्यूल, शेड्यूल को तैयार करने के रूल क्या है। सबसे पहले इंक्रीज इन करंट एसेट रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। अगर करंट एसेट बढ़ती है तो वर्किंग कैपिटल बढ़ती है, अगर करंट एसेट डिक्रीज होती है तो वर्किंग कैपिटल घटती है, अगर करंट लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होता है, और अगर डिक्रीज होती है करंट लायबिलिटी तो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होता है। इसको ध्यान रखना है। शेड्यूल ऑफ चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल, ये इसका शेड्यूल बनाने का तरीका है। करंट एसेट 1920 में कितनी थी, इंक्रीज डिक्रीज कितना हुआ, ऐसे ही करंट लायबिलिटी, और इस तरह नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल निकल आता है। प्रेपरेशन ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाने का तरीका, तो ये फंड फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट है। सोर्सेज ऑफ फंड में लिखते हैं कि फंड कहां कहां से आया, तो इश्यू ऑफ शेयर से आया, इश्यू ऑफ डिबेंचर से, लॉन्ग टर्म बोरोइंग से, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट से, ऑपरेटिंग प्रॉफिट से, तो ये मेजर आइटम्स हैं। बाकी डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल को भी फंड फ्लो स्टेटमेंट के सोर्सेज साइड में लिखा जाता है। एप्लीकेशन ऑफ फंड में फंड का यूज कहां हुआ, तो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिडीम किए, डिबेंचर रिडेम्पशन डिबेंचर रिडीम किए, पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग की पेमेंट करी, ऑपरेटिंग लॉसेज और पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड टैक्स। इसके अलावा इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल बैलेंस एक आइटम के तौर पे आ जाता है। एप्लीकेशन ऑफ फंड अगर ज्यादा होगा तो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होगा, और अगर सोर्सेज ऑफ फंड ज्यादा होगा तो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगा। नेक्स्ट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोसेस है रिकॉर्ड करने की, क्लासिफाई करने की और एनालाइज करने की किसी प्रोडक्ट या सर्विस की कॉस्ट को। ये हेल्प करता है प्रेजेंटेशन में, जिससे सूटेबली अरेंज कर सकते हैं डेटा को मैनेजमेंट के कंट्रोल और गाइडेंस के लिए। कॉस्टिंग एक टेक्निक है और प्रोसेस है कॉस्ट एसर्टेन करने की। कॉस्ट अकाउंटेंसी नॉलेज है या एप्लीकेशन है प्रिंसिपल्स की, मेथड्स की, टेक्निक्स की कॉस्टिंग या कॉस्ट अकाउंटिंग के दौरान। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट इन वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जिसको अब इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया कहा जाता है, इसको एस्टेब्लिश किया गया था कोलकाता में कॉस्ट इन वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1959 के अंतर्गत। मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहला कॉस्ट एसर्टेन करना, सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करना, डिटरमाइन करना और कंट्रोल करना मेटीरियल लेबर और ओवरहेड एफिशिएंसी, डिटरमाइन करना वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरी, प्रोवाइड करना बेस ऑपरेटिंग पॉलिसीज के लिए, डिसीजंस के लिए, और अचीव करना रियल और परमानेंट रिडक्शन कॉस्ट में। स्कोप कॉस्ट अकाउंटेंसी का कहां कहां ये यूज हो सकती है, कॉस्ट एसर्टेनमेंट में, कॉस्ट अकाउंटिंग में, एनालिसिस ऑफ कॉस्ट में, कॉस्ट कंट्रोल में, कॉस्ट रिपोर्ट में, इन कॉस्ट ऑडिट में। कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब टोटल एक्सपेंसेस से होता है जो किसी गुड्स या सर्विस के प्रोडक्शन पे होते हैं। एलिमेंट्स कॉस्ट के, मटेरियल लेबर एक्सपेंसेस, मटेरियल में डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट दोनों शामिल होते हैं, लेबर में डायरेक्ट लेबर इनडायरेक्ट दोनों शामिल होते हैं, और एक्सपेंसेस में डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दोनों शामिल होते हैं। प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट में शामिल होता है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओवरहेड, ओवरहेड में इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कॉस्ट ऑब्जेक्ट, ये टेक्निकल नाम होता है किसी प्रोडक्ट का या सर्विस का या प्रोजेक्ट का या डिपार्टमेंट का, जिससे कोई कॉस्ट रिलेट करती है। ब्रॉडर लेवल पे कॉस्ट ऑब्जेक्ट को कॉस्ट सेंटर नाम दिया जाता है, नैरो लेवल पे किसी कॉस्ट ऑब्जेक्ट को कॉस्ट यूनिट नाम दिया जाता है। कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट सेंटर किसी ऐसे लोकेशन, पर्सन या आइटम को बोलेंगे, किसी इक्विपमेंट को बोलेंगे जिसके संदर्भ में कॉस्ट एसर्टेन की जा रही है। कॉस्ट यूनिट, यूनिट ऑफ प्रोडक्ट होता है या सर्विस
उससे रिलेटेड, जिससे रिलेटेड कॉस्ट हम एसर्टेन कर रहे हैं, कॉस्ट एलोकेशन। कॉस्ट एलोकेशन एक प्रोसेस है थ्रू विच जिसके द्वारा आइटम्स ऑफ कॉस्ट आर आइडेंटिफाइड डायरेक्टली, जो आइटम्स हैं कॉस्ट से रिलेटेड उनको डायरेक्टली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सम प्रोडक्ट और डिपार्टमेंट, कुछ प्रोडक्ट या डिपार्टमेंट के साथ, और फिर उनको चार्ज करते हैं उस स्पेसिफिक कॉस्ट सेंटर से, तो कॉस्ट एलोकेशन कहलाता है। कॉस्ट अपोर्शनमेंट व्हेन आइटम्स ऑफ कॉस्ट, जब कॉस्ट के जो आइटम है वो ऐसे हों कि डायरेक्टली उनको चार्ज नहीं किया जा सकता है या आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता है किसी एक कॉस्ट सेंटर से, तो ऐसे केस में प्रोराटा बेसिस पे उसको बांट दिया जाता है सभी में। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ईओक्यू, साइज ऑफ द ऑर्डर, ईओक्यू वो साइज होता है किसी ऑर्डर का जिसमें ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट दोनों मिनिमम हो जाए। एजम्पशंस हैं ईओक्यू मॉडल की कि जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है और कैरिंग कॉस्ट है उनके दे आर नोन एंड फिक्स्ड, उनके बारे में पता है और वो फिक्स्ड है। एंटीसिपेटेड यूसेज ऑफ मटेरियल इज नोन, पता है कि मटेरियल कितना यूज होगा। कॉस्ट पर यूनिट ऑफ मटेरियल इज कॉन्स्टेंट एंड इज नोन, जो मटेरियल है उसकी कॉस्ट पर यूनिट कॉन्स्टेंट है और उसके बारे में जानकारी है। क्वांटिटी ऑफ मटेरियल ऑर्डर्ड इज रिसीव्ड इमीडिएटली, जो क्वांटिटी ऑर्डर की जाती है वो तुरंत प्राप्त हो जाएगी। ईओक्यू निकालने का फॉर्मूला है रूट टू इंटू में डिमांड इंटू ऑर्डर कॉस्ट अपॉन कैरिंग कॉस्ट। जैसे ये एग्जांपल है, परचेज प्राइस है किसी लॉक का 100 रुपीज पर यूनिट, कैरिंग कॉस्ट 5% है, कंजम्पशन रॉ मटेरियल का 24,000 यूनिट्स है और ऑर्डरिंग कॉस्ट है 10 पर ऑर्डर। तो ईओक्यू क्या होगा, बस फॉर्मूले में पुट कर देंगे वैल्यूज को, टू इंटू में डिमांड 24,000, ऑर्डर कॉस्ट 10 अपॉन कैरिंग कॉस्ट 5, और कैलकुलेट होकर के आ जाएगा 310। नेक्स्ट इज एबीसी एनालिसिस, यह एक एनालिटिकल मेथड है स्टॉक कंट्रोल का। वीईडी एनालिसिस, यह स्पेयर पार्ट्स जो होते हैं उनको एनालाइज करने के लिए यूज किया जाता है। एफएसएन एनालिसिस, यह एक प्रोसेस है क्लासिफाई करने की मटेरियल को उनके मूवमेंट के आधार पे। ऑल द आइटम्स आर क्लासिफाइड इन टू एफ फास्ट मूविंग, जो एफ में जितने भी आइटम होते हैं वो फास्ट मूविंग, एस स्लो मूविंग और एन नॉन मूविंग। जस्ट इन टाइम JIT, यह एक स्ट्रेटेजी है जिसमें इम्प्रूव किया जाता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को इन्वेंट्री को कम करके और इस तरह कैरियिंग कॉस्ट को भी कम करके। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, यह एक मेथड है प्राइसिंग का जिसमें इश्यू ऑफ मटेरियल को उस ऑर्डर में प्राइस किया जाता है जिस ऑर्डर में उनको परचेज किया जाता है, मतलब जिस रेट पे कोई सामान पहले वाला आया था, जब कोई सामान बिका तो पहले वो पहले वाले रेट का सामान ही बाहर निकलेगा। लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, इस मेथड में प्राइसिंग जो होता है इश्यू ऑफ मटेरियल्स का वो उस प्राइस पे होता है जो लास्ट रिसीविंग बैच का होता है। सिंपल एवरेज प्राइस मेथड, इसमें सिंपल एवरेज प्राइस निकाल दिया जाता है। वेटेड एवरेज प्राइस मेथड में वेट असाइन किए जाते हैं और वेटेड एवरेज निकाला जाता है। टेलर्स डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम या पीस रेट प्लान, FW टेलर ने क्लासिफाई किया वर्कर्स को एफिशियंट और इनएफिशियंट में। जो एफिशियंट वर्कर हैं उनको एनकरेज किया जाना चाहिए और जो इनएफिशियंट वर्कर हैं उनको पेनलाइज किया जाना चाहिए। हालांकि टेलर ने जो मेथड बताया वो ये है कि उनका मानना है कि वर्कर्स आर एफिशियंट, दे शुड बी पेड 120%, जो वर्कर्स एफिशियंट हैं उनको 120% देना चाहिए नॉर्मल प्राइस रेट का, और अगर वो इनएफिशियंट हैं तो उनको तब 80% ही देना चाहिए नॉर्मल प्राइस का। नेक्स्ट इज मेरिक्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, यह मॉडिफिकेशन है टेलर के सिस्टम का और यह वर्कर्स के ऊपर कम हार्श होता है। रेमुनरेशन इस तरीके से दिया जाता है कि अगर प्रोडक्शन 83% से ऊपर हुआ है तो नॉर्मल पीस रेट पे, अगर 83% तक प्रोडक्शन हो रहा है टारगेट का तो नॉर्मल पीस रेट से, अगर 83% से 100% तक प्रोडक्शन होता है तो 110% ऑफ ऑर्डिनरी पीस रेट, और अगर 100%
टारगेट से 100% से भी ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, तो जो पीस रेट मिलेगा वो भी बढ़ करके 120% मिलेगा ऑर्डिनरी पीस रेट का। देन गेंट टास्क बोनस प्लान, यह मेथड भी एश्योर करता है मिनिमम वेजेस वर्कर्स के लिए और ये ऑफर करता है गुड इंसेंटिव एफिशिएंट वर्कर्स के लिए। देन रेम्यूनरेशन कंप्यूट किया जाता है इस तरीके से, अगर प्रोडक्शन स्टैंडर्ड से कम होता है तो जो गारंटीड टाइम रेट है उससे पेमेंट की जाएगी, प्रोडक्शन अगर स्टैंडर्ड रेट पे हो पाता है तो टाइम रेट जितना भी है प्लस 20% बोनस, और प्रोडक्शन अगर स्टैंडर्ड से ऊपर होता है तो ऐसे केस में हाई पीस रेट दिया जाता है पूरे ही आउटपुट के लिए। अब कॉस्ट शीट, कॉस्टिंग में कॉस्ट शीट जो बनती है वो किस तरह बनती है, सबसे पहले उसमें लिखते हैं डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम जितना भी हुआ, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों को मिलाकर के आ जाता है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के बाद वर्क ओवरहेड जोड़ते हैं और हमारे पास आ जाता है वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जितने भी होते हैं उनको जोड़ते हैं और उसके बाद आ जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जितने भी होते हैं, टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल। इसके बाद जो भी टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल आती है उसमें प्रॉफिट ऐड कर देते हैं और ये सेलिंग प्राइस आ जाता है। आइटम जो एक्सक्लूड होते हैं कॉस्ट अकाउंट से, इसमें मुख्य है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स जैसे डिविडेंड पेड, टैक्सेस ऑन इनकम, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, एक्सेस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बिल्डिंग प्लांट, देन बैड डेट्स, अमाउंट रिटर्न ऑफ फॉर गुडविल, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशन और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एटसेट्रा। मैटर्स ऑफ प्योर फाइनेंस, प्योर फाइनेंस के जो मैटर्स होते हैं वो भी इसमें शामिल नहीं होते हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, डिबेंचर, मॉर्टगेज, डैमेज पेबल, पेनल्टी, फाइन्स एटसेट्रा। देन एबनॉर्मल गेन और लॉसेज, लॉसेज या गेन जो सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट पे होते हैं या लॉस होता है बिजनेस प्रॉपर्टी पे ऑन अकाउंट ऑफ थेफ्ट, फायर या अदर नेचुरल कैलेमिनिटीज, तो उसको एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल लॉस कहा जाता है। मेथड या टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग, अब कॉस्टिंग के मेथड, सबसे पहला जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग यूज होता है ऐसी इंडस्ट्रीज में जहां मैन्युफैक्चर होता है कोई प्रोडक्ट या सर्विस रेंडर होती है स्पेसिफिक ऑर्डर पे। इसके एग्जांपल जैसे इंजीनियरिंग कंसर्न, कंस्ट्रक्शन कंपनी, शिप बिल्डिंग, फर्नीचर मेकिंग, हार्डवेयर एंड मशीन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, रिपेयर शॉप्स, ऑटोमोबाइल गैरेज। इसके अलावा कंपैरेटिवली मोर एक्सपेंसिव एज मोर क्लरिकल वर्क इज इन्वॉल्व्ड इन आइडेंटिफाइंग ईच एलिमेंट ऑफ कॉस्ट विद स्पेसिफिक डिपार्टमेंट इन जॉब्स। कंपैरेटिवली ज्यादा महंगा होता है। नेक्स्ट इज बैच कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग यूज होता है ऐसी इंडस्ट्रीज में जहां सिमिलर आर्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं डेफिनेट बैचेस में। हर एक बैच अपने आप में कॉस्ट यूनिट होता है, कॉस्ट एक्युमुलेट की जाती है और एसर्टेन की जाती है हर एक बैच के लिए। ए सेपरेट बैच कॉस्ट शीट इज यूज्ड फॉर ईच बैच एंड इज असाइंड ए नंबर बाय विच द बैच इज आइडेंटिफाइड। नेक्स्ट जैसे एग्जांपल है रेडीमेड गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, फार्मास्यूटिकल एंड ड्रग इंडस्ट्रीज, स्पेयर पार्ट्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, टॉयज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, टायर एंड ट्यूब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग या टर्मिनल कॉस्टिंग भी कहते हैं, ये जॉब कॉस्टिंग का ही एक वेरिएंट है, एक प्रकार है। ये यूज किया जाता है ज्यादातर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में जैसे बिल्डिंग, रोड या ब्रिज के कंस्ट्रक्शन में। जो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट लेता है उसको कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं और जिससे कॉन्ट्रैक्ट लिया जाता है उसको कॉन्ट्रैक्टी कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट लंबे समय के लिए होता है और इसलिए कॉन्ट्रैक्ट समाप्त होने में तो समय लगता है, लेकिन जो अकाउंटिंग पीरियड है वो कई अकाउंटिंग पीरियड एक कॉन्ट्रैक्ट के पीरियड में आ सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट 3 साल 4 साल 5 साल तक चल सकता है, हर साल अकाउंट बनाए जाते हैं। कॉन्ट्रैक्टर तैयार करता है प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, जो कि एक नॉमिनल अकाउंट होता है। इस अकाउंट में जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको डेबिट में लिखते हैं और जो इनकम होती है, इनकम यहाँ पे मेनली जो वर्क जितना सर्टिफाई होता चला जाता है उतना क्रेडिट साइड में लिख दिया जाता है। इस तरीके से जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट या
लॉस को बताता है। प्रॉफिट जो अर्न होता है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में उसको नोशनल प्रॉफिट बोला जाता है, क्योंकि अभी एक्चुअल प्रॉफिट निकलना संभव नहीं है जब तक कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो जाएगा। तो ये जो नोशनल प्रॉफिट होता है इसमें से ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो हिस्सा जो कैलकुलेट किया जाता है इस बेसिस पे कि वर्क कंप्लीट कितना हो चुका है और कैश रिसीव्ड कितना हुआ है, इसको कंसीडर करते हुए अलग अलग तरीके अलग अलग स्टेज के हिसाब से होते हैं कि कितना अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट मान करके ट्रांसफर किया जाएगा। प्रोसेस कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग यूज किया जाता है वहां पे जहां पे कोई प्रोडक्ट स्टेजेज में बनता है, यानी कि कई स्टेज होती है तो हर एक प्रोसेस पे हर एक स्टेज पे हम चाहते हैं कि यहाँ तक उसकी कॉस्ट कितनी आ गई है, इसको चेक करने के लिए प्रोसेस कॉस्टिंग यूज की जाती है। ये ऐसी इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है जहाँ पे जो प्रोडक्ट होता है वो पूरी प्रोसेस उसकी दो या तीन हिस्सों में बंट जाती है। पहली एक प्रोसेस जो होती है उसका जो फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है वो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए रॉ मटेरियल की तरह होता है, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ऑयल इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एटसेट्रा। कुछ इंडस्ट्रीज में एक प्रोडक्ट इमर्ज होता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में और किसी किसी में एक से ज्यादा प्रोडक्ट भी बनते हैं। जब एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं तो कई दफा वो ज्वाइंट प्रोडक्ट भी हो सकते हैं और बाई प्रोडक्ट भी हो सकते हैं। ज्वाइंट प्रोडक्ट इक्वल इंपोर्टेंस के होते हैं और पर्पसफुल्ली कोई कंपनी जब दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाती है तो वो ज्वाइंट प्रोडक्ट कहलाते हैं। बाई प्रोडक्ट जो होता है वो इंटेंशनली नहीं बनाया जाता, वो एक सेकेंडरी प्रोडक्ट के तौर पे बनता है। जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो मेन प्रोडक्ट को बनाती है केवल, और उस प्रोसेस के रिजल्ट के दौरान ऑटोमेटिकली कोई बाई प्रोडक्ट भी बन जाता है। मेन डिफरेंस होता है ज्वाइंट प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट में, तो जो बाई प्रोडक्ट होता है वो अनइंटेंशनली बनता है जबकि जो ज्वाइंट प्रोडक्ट होता है वो इंटेंशनली बनाया जाता है। ऑपरेटिंग या सर्विस कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग यूज होती है सर्विस इंडस्ट्रीज में। इसका मेन ऑब्जेक्ट होता है कि जो कॉस्ट ऑफ सर्विस है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ऑफर की जाती है उसको हम जान पाए। बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग कंपनी, हॉस्पिटल्स, ट्रांसपोर्ट, होटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कैंटीन, ये सब इसका यूज करते हैं। नाउ अब पढ़ेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक। अब तक हमने कॉस्टिंग टेक्निक पढ़ी थी जिनमें हम कॉस्ट को जानते थे कि कॉस्ट कैलकुलेट करते थे, कंप्यूट करते थे, कॉस्ट के बारे में आइडिया लगाते थे। अब देखेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक। कॉस्ट अकाउंटिंग जो टेक्निक है ये आमतौर पर कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए यूज की जाती है। तो इनके मेजर जो टेक्निक्स हैं वो मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल। इसमें हम मार्जिनल कॉस्टिंग को पढ़ेंगे। मार्जिनल कॉस्टिंग बेस्ड होती है मार्जिनल कॉस्ट पे। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है कि जो टोटल कॉस्ट में चेंज आता है किसी एक यूनिट आउटपुट, एक यूनिट में चेंज करके जो टोटल कॉस्ट में चेंज आता है उसको मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। जैसे अगर हम 10 यूनिट बना रहे थे और उसका खर्चा सपोज करिए 100 रुपीज आ रहा था, हमने एक यूनिट और बनाई, टोटल बना करके 11 यूनिट बनाई, और जब 11 यूनिट बनाई तो हमने देखा कि 108 रुपये का टोटल कॉस्ट आ रहा है। तो ये जो 8 रुपये की कॉस्ट है इसको मार्जिनल कॉस्ट कहा जाता है। CIMA के अकॉर्डिंग मार्जिनल कॉस्ट का मतलब उस अमाउंट से है जो एट एनी गिवन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट पे, अभी मतलब आउटपुट जितना भी है उसकी जितनी भी वॉल्यूम है उस पे जो कॉस्ट आ रही है। अब उसमें अगर हम कोई इंक्रीज या डिक्रीज कर दें एक यूनिट का प्रोडक्शन, तो जो एग्रीगेट कॉस्ट में जो चेंज आएगा वो मार्जिनल कॉस्ट कहलाएगी। मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक है जिसमें एसर्टेन किया जाता है मार्जिनल कॉस्ट को और जाना जाता है इफेक्ट प्रॉफिट पे, आउटपुट के वॉल्यूम में चेंज का। फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में डिफरेंस होने की वजह से मार्जिनल कॉस्टिंग में केवल वेरिएबल कॉस्ट जो है वही कंसीडर होती है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड रहती है, वो चाहे हम प्रोडक्शन कितना भी बढ़ाएं, आउटपुट कितना भी बढ़ाएं, उस पर कोई चेंज आता नहीं है। वेरिएबल कॉस्ट वेरी करती चली जाती है तो उसी का इम्पैक्ट पड़ता है मार्जिनल कॉस्ट पे। CIMA के अकॉर्डिंग मार्जिनल कॉस्टिंग इज ए टेक्निक वेयर ओनली द वेरिएबल कॉस्ट आर चार्ज्ड टू कॉस्ट यूनिट्स, फिक्स्ड कॉस्ट एट्रीब्यूटेबल बीइंग रिटन ऑफ इन फुल अगेंस्ट द कंट्रीब्यूशन फॉर दैट पीरियड। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग
स्टैंडर्ड कॉस्ट पे बेस्ड होती है, और स्टैंडर्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसको एडवांस में डिटरमाइन किया जाता है साइंटिफिक बेसिस पे। ब्राउन एंड हॉवर्ड के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड कॉस्ट एक प्री डिटरमाइंड कॉस्ट है जो डिटरमाइन करता है व्हाट ईच प्रोडक्ट और सर्विस शुड कॉस्ट अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस, यानी कि एक निश्चित सर्कमस्टांसेस में किसी प्रोडक्ट या सर्विस की कॉस्ट क्या हो सकती है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अकॉर्डिंग टू एच जे वेल्डन, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज अ मेथड ऑफ एसर्टेनिंग द कॉस्ट वेयर बाय स्टैटिस्टिक्स आर प्रिपेयर्ड टू शो। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक मेथड है कॉस्ट जानने का जिसमें स्टैटिस्टिक्स यानी कि डेटा तैयार किया जाता है टू शो द स्टैंडर्ड कॉस्ट, द एक्चुअल कॉस्ट और डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट, जिसको वेरियंस कहा जाता है। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप, ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और अलग से सिलेबस में दिया गया है, इसी का पार्ट है कॉस्ट का ही। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप ये एक फाइनेंशियल एनालिसिस का ऐसा टूल है जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ये समझने में मदद करता है कि कॉस्ट में चेंज, चाहे वो वेरिएबल कॉस्ट हो या फिक्स्ड कॉस्ट हो, सेल्स वॉल्यूम में चेंज और प्राइसेस में चेंज प्रॉफिट को किस तरीके से इंपैक्ट करता है। ये महत्वपूर्ण होता है डिसीजन मेकिंग में प्राइसिंग से रिलेटेड, प्रोडक्ट मिक्स से रिलेटेड या एक्सपेंशन प्लान से रिलेटेड। सीवीपी एनालिसिस फोकस करता है इन फैक्टर्स पे, यानी कि कौन कौन से फैक्टर इसमें रोल प्ले करते हैं। सबसे पहला सेलिंग प्राइस पर यूनिट, मतलब एक यूनिट कितने रुपए में बेची जाएगी। देन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो प्रोडक्शन वॉल्यूम के घटने बढ़ने पे वेरी करती है। देन फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट है जो कॉन्स्टेंट रहती है, चाहे प्रोडक्शन वॉल्यूम कितना भी कम या ज्यादा हो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे रेंट फैक्ट्री का, आप 1000 यूनिट बनाओ, आप 1200 बनाओ, आप 1500 बनाओ, रेंट फैक्ट्री का है वो उतना ही रहेगा जितना है। सेल्स वॉल्यूम, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, जितनी यूनिट बेची जाएंगी। देन कंट्रीब्यूशन मार्जिन, कंट्रीब्यूशन मार्जिन सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक यूनिट हम 50 रुपए में सेल करते हैं और हम उसको बनाने का जो खर्चा है उसका वेरिएबल कॉस्ट अगर 30 रुपए है, वेरिएबल कॉस्ट का मतलब हुआ कि एक यूनिट बनाएंगे तो 30 रुपए कॉस्ट आएगी, दो बनाएंगे तो 30 और बढ़ जाएगी 60 आएगी, तीन बनाएंगे तो 30 और बढ़ जाएगी 90 आएगी, यानी कि जितने भी यूनिट हम बनाते चले जाएंगे, बढ़ाते चले जाएंगे, पर यूनिट कॉस्ट उतनी बढ़ती चली जाएगी। इसी कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं, क्योंकि जैसे जैसे प्रोडक्शन वेरी करेगा वैसे ही ये कॉस्ट भी उसी रेशियो में, उसी प्रोपोर्शन में वेरी करती है। अब बात है कि अगर एक यूनिट हम बेचेंगे तो 50 में बिकेगी, दो बेचेंगे तो 100 में बिकेगी, 50 और आ जाएंगे, तीन बेचेंगे तो 150 में बिकेगी, 50 और आ जाएंगे, कुल मिलाकर के जैसे जैसे ये बढ़ती जाएंगी तो जिस हिसाब से सेल्स बढ़ेगी उसी प्रोपोर्शन में वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती रहेगी। तो यहां से तो केवल कॉस्ट ही कवर होगी, अल्टीमेटली जो फर्म को बचेंगे वो 20 रुपए बचेंगे वेरिएबल कॉस्ट में से, यानी कि एक यूनिट एक्स्ट्रा बनाने पे फर्म को 20 रुपए बच जाएंगे। अब ये जो 20 रुपए बचेंगे इसी में से तो फर्म को अपनी फिक्स्ड कॉस्ट पूरी करनी होगी। फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट है कि आप एक यूनिट बनाओ, एक भी मत बनाओ, 1000 बनाओ, वो उतनी ही रहेगी। तो ये 20 यूनिट हम बढ़ाते चले जाएंगे हमारी जितनी फिक्स्ड कॉस्ट होगी वहां तक कवर करने के लिए। सपोज करिए हमारी कोई फिक्स्ड कॉस्ट है ही नहीं तो हमारा प्रॉफिट 20 रुपए है। अगर हमारी फिक्स्ड कॉस्ट 20 रुपए है तो अगर एक यूनिट भी हमने बना दी और बेच दी तो जो 20 रुपए बचे उससे फिक्स्ड कॉस्ट कवर हो जाएगी। अगर हमारी फिक्स्ड कॉस्ट 20 ही रुपए है और हम दो यूनिट बना दें तो इसका मतलब दोनों यूनिट 20-20 रुपए करके 40 रुपए हमें दे देंगे, तो 20 रुपए फिक्स्ड कॉस्ट कवर हो गया और जो 20 रुपए बच गया वो प्रॉफिट आ गया। कहने का मतलब यह है कि जो ये जो कंट्रीब्यूशन होता है, जो पर यूनिट कंट्रीब्यूशन आता है, जो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटाने के बाद आता है, यही वो अमाउंट है जिस पे हमारा प्रॉफिट डिपेंड करेगा। तो एग्जांपल ऑफ सीवीपी रिलेशनशिप, इसको हम इस एग्जांपल से और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। सपोज करिए एक प्रोडक्ट है जिसका पर यूनिट सेल 50 रुपए में होता है, उसकी जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है वो 30 रुपए है, हम जितनी यूनिट बनाएंगे 30 रुपए पर यूनिट बढ़ता चला जाएगा। फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो 10,000 पर मंथ है, ये 10,000 पर मंथ लगना ही है, हम एक भी यूनिट ना बनाए, हम एक बनाए, हम 1,000 बनाए। कंपनी जानना चाहती है आपसे कि कंपनी कितनी यूनिट बनाए ताकि कंपनी ब्रेक इवन पे सेल कर सके। मतलब कहने का ये है कि कंपनी ये जानना चाह रही है कि वो कितनी यूनिट बनाए कि कंपनी कम से कम
कंपनी को कोई लॉस ना हो, ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो। ब्रेक इवन वो पॉइंट होता है जिस पे कंपनी को ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। कंपनी अपनी इनकम में से, कंपनी अपने जो रेवेन्यू है, सेल है, उसमें से अपने सारे खर्चों को कवर कर लेती है। तो इसको कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट कहते हैं। आमतौर पर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आ जाता है, इसलिए इस पर हम थोड़ा टाइम ले रहे हैं। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट यहाँ पे निकालेंगे सबसे पहले कि एक यूनिट फर्म को कंट्रीब्यूट करेगी 20 रुपए। हर यूनिट कंट्रीब्यूट करेगी 20 रुपए, जितना बढ़ाता चला जाएगा इतनी यूनिट, हर यूनिट 20 रुपए छोड़ती चली जाएगी। अब ब्रेक इवन पॉइंट जानने का सरल तरीका है कि हमारी फिक्स्ड कॉस्ट 10,000 है और एक यूनिट हमें बस 20 रुपए छोड़ रही है, तो 10,000 को डिवाइड करेंगे 20 से, तो 500 यूनिट जो आएंगी। ये 500 यूनिट अगर फर्म बनाएगी तो इसका मतलब 20 रुपए पर यूनिट छोड़ते हुए 10,000 रुपए फर्म को मिल जाएंगे। इसका मतलब सारी की सारी फिक्स्ड कॉस्ट कवर हो जाएगी और ये 500 यूनिट जो है ये ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा यूनिट्स में। नाउ अगर हम ब्रेक इवन पॉइंट को अमाउंट में, रुपीज में जानना चाहते हैं, तो सीधी सी बात है कि जो यूनिट्स में निकला है, 500 यूनिट अगर हम बनाएंगे तो हम कह रहे हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट है। अब एक यूनिट की जो सेल्स प्राइस है वो 50 रुपए है, तो 500 × 50 कर देंगे तो 25,000 रुपए का सामान जब हम बना लेंगे तो ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज में है। अगर कंपनी आपसे जानना चाहती है कि कंपनी ये कह रही है कि भाई हम तो थोड़ा प्रॉफिट भी कमाना चाहते हैं 5,000 रुपए, तो बताइए कितनी यूनिट बनानी पड़ेंगी। तो इसका भी यही तरीका है सर। अभी तक हम 10,000 का देख रहे थे कि 10,000 कवर करने के लिए कितना यूनिट बनानी पड़ेंगे, अब हम ये देखेंगे कि 10,000 फिक्स्ड कॉस्ट भी कवर हो जाए, 5,000 प्रॉफिट भी मिल जाए हमें, तो इस 15,000 को कवर करने के लिए कितना सामान बनाना पड़ेगा। तो पर यूनिट तो 20 रुपए ही छोड़ रहे हैं हमें सेल्स प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट घटा के, तो इस 15,000 को 20 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये 750 यूनिट आ जाएंगे। इसका मतलब अगर हम 750 यूनिट बनाएंगे तो हमें 5,000 प्रॉफिट भी बच जाएगा। नाउ कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग, अकाउंटिंग में कंप्यूटर्स, तो कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग वैरायटी ऑफ ऑपरेशंस। जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिनसे काम करता है कंप्यूटर, उसको कंप्यूटर प्रोग्राम कहते हैं। कंप्यूटर सिस्टम कॉम्बिनेशन होता है कई सारे एलिमेंट्स का, जैसे हार्डवेयर, हार्डवेयर फिजिकल कंपोनेंट होते हैं कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रोसेसर। सॉफ्टवेयर, ये सेट ऑफ प्रोग्राम होते हैं जिनकी वजह से हार्डवेयर काम करता है। 6 टाइप के सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी प्रोग्राम्स या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, लैंग्वेज प्रोसेसर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, कनेक्टिविटी सॉफ्टवेयर। इसके अलावा पीपल, जो लोग काम करते हैं, संस्था से जुड़े होते हैं, कंप्यूटर से जुड़े होते हैं, इसको लाइववेयर भी कहा जाता है। इसमें सिस्टम एनालिस्ट आते हैं, प्रोग्रामर्स आते हैं, ऑपरेटर्स आते हैं। देन प्रोसीजर, प्रोसीजर का मतलब सीरीज ऑफ ऑपरेशन से होता है जो एक सर्टेन ऑर्डर में किए जाते हैं। कुछ हार्डवेयर ओरिएंटेड प्रोसीजर होते हैं, सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड प्रोसीजर और इंटरनल प्रोसीजर। देन डेटा, डेटा वो इंफॉर्मेशन होती है जो रेलिवेंट होती है और डिसीजन मेकिंग में उसको हम यूज करते हैं। कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी की वजह से जो कंप्यूटर सिस्टम होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं एक से दूसरे से, टेलीफोन लाइन के माध्यम से, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन के माध्यम से, सैटेलाइट लिंक के माध्यम से। देन कैपेबिलिटीज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम की स्पीड, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, वर्सेटिलिटी, स्टोरेज, ये इसकी कैपेबिलिटी है। लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, लैक ऑफ कॉमन सेंस, जीरो IQ और लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग होता है। हालांकि AI काफी हद तक इसमें काम कर रही है, इसमें रोल प्ले कर रही है। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स, इनपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU, और CPU में होते हैं 3 चीजें, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड आउटपुट यूनिट। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS एंड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन AIS। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम वो सिस्टम होता है जो प्रोवाइड करता है नेसेसरी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को भी और जो यूजर होते हैं इंफॉर्मेशन को उनको भी, ताकि वो डिसीजन ले पाए और ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर पाए। मतलब टाइम पे हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है क्योंकि डेटा को मैनेज करते हैं प्रॉपर तरीके से। तो MIS ऐसा सिस्टम है जिसके माध्यम से हम इंफॉर्मेशन को मैनेज करते हैं और जरूरत पड़ने पे प्रोवाइड करा देते हैं। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम वो सिस्टम होता है जो MIS का ही एक पार्ट होता है, जहाँ पे हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की केवल बात करते हैं कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन समय पर मिल जाती है। इसमें अकाउंटिंग रिपोर्ट्स मेन रोल प्ले करती हैं। इंफॉर्मेशन किसी पर्टिकुलर नीड को पूरा करने के लिए जो इंफॉर्मेशन सप्लाई होती है उसको रिपोर्ट कहा जाता है। अकाउंटिंग रिपोर्ट में ये फीचर्स होनी चाहिए, रेलिवेंट होनी चाहिए रिपोर्ट, टाइमलीनेस होनी चाहिए, समय पे मिले, एक्यूरेसी होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए और समराइज फॉर्म में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए।
अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जिनका यूज होता है अकाउंटिंग में, सेज, विंग्स 2000, बेस्ट बुक्स, कैश मैनेजर, इस पेज और बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। अकाउंटिंग पैकेजेस, अकाउंटिंग पैकेजेस डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, रेडी टू यूज, कस्टमाइज, टेलर्ड। रेडी टू यूज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो रेडी होते हैं यूज के लिए, कोई भी संस्था उनको परचेज करेगी अपने यहाँ यूज कर सकती है। आमतौर पर जिन संस्थाओं में ट्रांजेक्शन काफी कम संख्या में होती है वो इनको खरीद लेती हैं, जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन रहती हैं। कस्टमाइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, कस्टमाइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जैसा नाम से पता चल रहा है, इसमें कोई सॉफ्टवेयर हम लेते हैं बना होता है पहले से बस, बट उसको संस्था के अकॉर्डिंग फिर कस्टमाइज भी कराया जा सकता है स्पेशल रिक्वायरमेंट के हिसाब से। टेलर्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ये जो बहुत बड़े ग्रुप्स होते हैं, बहुत बड़ी संस्थाएं होती है, ये स्पेसिफिकली अपने लिए ऑर्डर पे बनवाते हैं, टेलर्ड, बिल्कुल अपनी नीड्स के मुताबिक। कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट है कि जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं अकाउंटिंग की वो रिकॉर्ड हो, और जो अकाउंटिंग का पूरा काम है गैप को कंसीडर करते हुए, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का यूज करते हुए रिपोर्ट प्रोड्यूस की जा सके अकाउंटिंग की। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के दो बेसिक रिक्वायरमेंट होते हैं, एक अकाउंटिंग फ्रेमवर्क, अकाउंटिंग फ्रेमवर्क में अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स, कोडिंग, ग्रुपिंग स्ट्रक्चर ये आ जाता है, और ऑपरेटिंग प्रोसीजर, एक वेल डिफाइंड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है जिसमें सूटेबली जो ऑपरेटिंग एनवायरमेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन का वो ब्लेंड होता है, वो भी शामिल होता है। जेनरिक कंसिडरेशंस बिफोर सोर्सिंग एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, जब कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हम कहीं से लें, सोर्स करें, तो उसमें कौन सी चीजें ध्यान रखने की, सबसे पहले फ्लेक्सिबिलिटी देखी जाती है, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन या मेंटेनेंस क्या होगी, ईज ऑफ एडेप्टेशन एंड ट्रेनिंग नीड्स, यूटिलिटी या MIS रिपोर्ट, एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ सीक्रेसी, हमें किस लेवल की सीक्रेसी चाहिए, एक्सपोर्टिंग इम्पोर्टिंग डेटा फैसिलिटी, डेटा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर सकते हैं उसमें, वेंडर रेपुटेशन और कैपेबिलिटी, इन सब चीजों को देख करके संस्था देखती है कि अपनी नीड के अकॉर्डिंग अगर ये फिट बैठता है सिस्टम या नहीं बैठता है तो उसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट एक महत्वपूर्ण, ये भी एक प्रोग्राम होता है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जिसमें कॉन्फ़िगरेशन होता है रोज का, इन कॉलम्स का। आमतौर पे कोई भी पर्सन जब कंप्यूटर सीखता है तो वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एक्सेल सीखता है, एक्सेल एक स्प्रेडशीट ही होता है। रोज और जो होते हैं वो हॉरिजॉन्टल वेक्टर होते हैं, कॉलम्स जो होते हैं वो वर्टिकल वेक्टर्स होते हैं। जो स्प्रेडशीट होती है इसको वर्कशीट भी बोलते हैं, ये यूज की जाती है रिकॉर्ड करने के लिए, डेटा को रिकॉर्ड करते हैं इसमें, कैलकुलेट कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं डेटा को, बहुत सारे फॉर्मूले, स्टैटिस्टिक्स के, मैथमेटिक्स के इसमें यूज किए जा सकते हैं। जो स्प्रेडशीट एप्लीकेशन होती है कंप्यूटर प्रोग्राम में, वो हमें अलाउ करता है ऐड करना, प्रोसेस करना डेटा को। बेसिक कॉन्सेप्ट स्प्रेडशीट के, इसमें वर्कबुक, वर्कबुक जो फाइल होती है एक्सेल में उसको वर्कबुक कहा जाता है, वर्कशीट, वर्कशीट जो वर्कबुक होती है उसमें बहुत सारे वर्कशीट होते हैं, उन सबका ये कलेक्शन होती है। बाय डिफॉल्ट हमको एक वर्कबुक में तीन वर्कशीट दिखती हैं, सीट वन, सीट टू, सीट थ्री, ये ऑटोमेटिकली दिख रही होती हैं, जरूरत पड़ने पे इनको बढ़ाया भी जा सकता है, ऐड की जा सकती हैं। रोज, रोज नंबर्ड होते हैं न्यूमेरिकली टॉप टू बॉटम, ये न्यूमेरिकली नंबर्ड होते हैं जो रोज होते हैं एक्सेल में। एक्सेल 2007 में 65,536 रोज है, और एक्सेल 2010 में 10,48,576 रोज होते हैं। कॉलम्स तो अलग अलग वर्जन में ये अलग अलग रहते हैं, संख्या में बहुत ज्यादा होते हैं। कॉलम्स आर रेफर्ड बाई अल्फा कैरेक्टर्स, जो कॉलम होते हैं वो अल्फा कैरेक्टर्स में दिखते हैं हमें, लेफ्ट टू राइट। यूज ऑफ स्प्रेडशीट इन बिजनेस एप्लीकेशन, बिजनेस एप्लीकेशंस में स्प्रेडशीट का यूज, तो पेरोल अकाउंटिंग में यूज होता है, सैलरी वगैरह का जो पेमेंट कैलकुलेशन होता है उसके लिए। एसेट अकाउंटिंग में एसेट का रिकॉर्ड रखने के लिए, इवन डेप्रिसिएशन के जो मेथड है उनको भी इसमें कैलकुलेट किया जा सकता है, डेप्रिसिएशन को एसेट पे। लोन रीपेमेंट शेड्यूल के लिए यूज किया जा सकता है। ग्राफ एंड चार्ट्स फॉर बिजनेस डाटा, ग्राफ और चार्ट भी बनाए जा सकते हैं एक्सेल का यूज करते हुए। एक्सेल में हम डेटा इनपुट करते हैं और उसमें ऑप्शंस होते हैं, उनका यूज करते हुए आराम से ग्राफ बन जाते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम फॉर अकाउंटिंग, अब अकाउंटिंग के लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम शॉर्ट में DBMS बोलते हैं। इसमें वैरायटी ऑफ टूल्स मिल जाता है हमें, जिसमें हम डेटा से क्वेरी कर पाते हैं, महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन को निकाल पाते हैं। MS Access, Oracle, SQL सर्वर, IBM DB2, ये एग्जाम्पल्स हैं DBMS सॉफ्टवेयर के, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के। ऑटोमेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस, अब जो अकाउंटिंग प्रोसेस है इसका ऑटोमेशन, तो आजकल AI के माध्यम से जो प्रोसेस है उसका पूरे का ऑटोमेशन संभव हो पा रहा है। इसमें डेटा एंट्री, इनवॉइसिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग,
ये सॉफ्टवेयर और एआई टूल्स की मदद से ऑटोमेटिकली हो पाते हैं, स्ट्रीमलाइन हो पाते हैं। इससे ह्यूमन एरर कम होती है, एक्यूरेसी बढ़ती है, एफिशिएंसी बढ़ती है और रियल टाइम प्रोसेसिंग डेटा की संभव होती है। डिजाइनिंग अकाउंटिंग रिपोर्ट्स, अकाउंटिंग रिपोर्ट डिजाइन करना, इसमें अकाउंटिंग रिपोर्ट क्लियर, कॉन्साइज और रेलिवेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं, रिपोर्ट्स रेडी की जाती है, वेल डिजाइंड रिपोर्ट्स तैयारी की जाती है। एमआईएस रिपोर्टिंग, एमआईएस के बारे में अभी हमने पढ़ा, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो एमआईएस के लिए जो इंफॉर्मेशन दी जाती है उसके लिए एमआईएस रिपोर्टिंग यूज होती है। इससे मैनेजर्स को इंफॉर्मेशन मिलती है और इससे वो महत्वपूर्ण इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। डेटा एक्सचेंज विद अदर इंफॉर्मेशन सिस्टम, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में सॉफ्टवेयर्स में ये फैसिलिटी भी होती है कि हम बाकी जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसमें भी डेटा को एक्सचेंज कर सकते हैं, हम डेटा को एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ एंटिटी इन रिलेशनशिप इन अकाउंटिंग सिस्टम, डेटाबेस अकाउंटिंग में एंटिटी और रिलेशनशिप का महत्वपूर्ण यूज होता है। यहाँ पे जो एंटिटी टर्म है इसका मतलब होता है रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट से, जैसे कस्टमर्स, ट्रांजेक्शन, अकाउंट्स, ये सब एंटिटी होते हैं। रिलेशनशिप डिफाइन करता है रिलेशन दो या दो से ज्यादा एंटिटीज के बीच में। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, ये हेल्प करता है स्ट्रक्चर करने में डेटा को, एक्यूरेसी इंश्योर करने में, ऑर्गेनाइज्ड करने में डेटा को और एफिशिएंट डेटा मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग अकाउंटिंग का ही एक स्पेसिफिक टेक्निक है। इसमें हम एडजस्ट करते हैं जो प्राइसेस होते हैं एसेट्स के, उनको प्राइस इंडेक्स के माध्यम से। इस मेथड को प्राइस लेवल अकाउंटिंग भी कहा जाता है। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में शामिल होता है रेंज ऑफ अकाउंटिंग मॉडल्स, जिसमें हम हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग की प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करते हैं। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग के बहुत सारे मेथड्स हैं, जिनमें करंट परचेजिंग पावर मेथड CPP। इस मेथड में जो डिफरेंट आइटम्स दिए होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, उनको हम कन्वर्ट करते हैं जनरल प्राइस इंडेक्स की मदद से। करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड CCA, इस अप्रोच में जो एसेट्स के वैल्यूज होते हैं उनको फेयर मार्केट वैल्यू पे लिखा जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड, इसमें जो एसेट्स की वैल्यूज ऑलरेडी हमारे पास होती हैं लायबिलिटीज की, एसेट्स की, उनको रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया जाता है। करंट वैल्यू अकाउंटिंग मेथड, सभी एसेट्स और लायबिलिटी मेजर की जाती हैं करंट वैल्यू पे, जिसपे उनको करंट में बेचा या खरीदा जा सकता हो। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग फॉर ह्यूमन रिसोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, एनालाइज करते हैं और रिपोर्ट करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज पे। संस्था के जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, संस्था के जो एम्प्लॉई हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट को। अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन के मुताबिक ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग एक प्रोसेस है ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड मेजरिंग डेटा अबाउट ह्यूमन रिसोर्सेज एंड कम्युनिकेटिंग दिस इंफॉर्मेशन टू इंटरेस्टेड पार्टीज। फ्लेम हॉल्ट्स डिफाइन करते हैं ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग इज द मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट एंड वैल्यू ऑफ द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। वैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज के वैल्यूएशन के भी अलग अलग मेथड्स हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेथड, स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड। एंड नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग भी अकाउंटिंग का एक सिस्टम है, जिसमें किसी पर्सन को या किसी पोजिशन को या डिपार्टमेंट को रेस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की जाती है कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए। RM भंडारी के मुताबिक रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज ए सिस्टम अंडर विच कॉस्ट आर एक्यूमुलेटेड एंड रिपोर्टेड एट ईच लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो दैट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट डेटा मे बी यूज बाई द मैनेजमेंट एट ईच लेवल इन कंट्रोलिंग द ऑपरेशन एंड देयर कॉस्ट। रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग को प्रॉफिटेबिलिटी अकाउंटिंग या एक्टिविटी अकाउंटिंग भी कहा जाता है। रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर तय किए जाते हैं ताकि रिस्पॉन्सिबिलिटी ठहराई जा सके एक पर्टिकुलर पोजीशन की, पर्सन की या डिपार्टमेंट की। जो कॉस्ट सेंटर है, रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, वो कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर या इन्वेस्टमेंट सेंटर में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। कॉस्ट सेंटर ऐसे सेंटर होते हैं जो किसी कॉस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्रॉफिट सेंटर ऐसे सेंटर होते हैं जहाँ कॉस्ट और रेवेन्यू दोनों के लिए जिम्मेदारी ठहराई जाती है। इन्वेस्टमेंट सेंटर ऐसे सेंटर होते हैं जहाँ पे किसी एसेट के प्रॉपर यूज की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। तो ये था
अकाउंटिंग का वीडियो आज का, और इसी के साथ इस सीरीज के एचपीएससी पीजीटी कॉमर्स के पूरे सिलेबस को हम कवर कर चुके हैं। हालांकि संभव नहीं होता है कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से दे पाना इतनी देर में, बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, एक एक टॉपिक पे कई कई चैप्टर्स हैं, और उनको फिर भी हमने कोशिश करी है एक तरह से रिविजन की। अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्यूचर में भी आगे भी जहाँ पे एग्जाम्स होंगे हम कोशिश करेंगे खासतौर पर पीजीटी को फोकस करते हुए और असिस्टेंट प्रोफेसर को फोकस करते हुए जहाँ जहाँ एग्जाम होने हैं उनके हम सिलेबस वाइज नोट्स ऐसे शॉर्ट फॉर्म में प्रोवाइड कराएंगे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी डिमांड रखें, हम कोशिश करें जहाँ का एग्जाम जल्दी आएगा, अभी लोग यूपी का बोल रहे हैं तो यूपी का भी हम बनाएंगे, जहाँ का सिलेबस हमें मिल जाएगा उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम शॉर्ट नोट्स बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।